Yeah, everyone, let's continue with the same thing. I mean the same thing is a copyright. Okay, तो आपका ये पार्ट चल रहा है ऑलरेडी और इसको हमें कंटिन्यू करना है. ये चार्ट, हाँ आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा ऑब्वियसली, तो मैं चाहता हूं कि अभी चार्ट कॉपी कर ले, मैं साइड हो जाता हूं एक सेकंड के लिए. ये चार्ट प्लीज कॉपी कर लीजिए, नीचे के वर्ड्स भी क्लियर आपको दिखाई दे रहे होंगे. प्लीज कॉपी द चार्ट. ठीक है, और ऑब्वियसली मैं आपको चार्ट को कॉपी करने का आपको अलग से टाइम थोड़ा दूंगा. मैं इसको पॉज कर लो फटाफट और चार्ट कॉपी कर लो. ओके, आई एम नॉट गिविंग यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम फॉर टू कॉपी दिस चार्ट. ओके, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू स्टडी टुडे. काफी कुछ हमें समझना है, काफी कुछ हमें पढ़ना है आज. तो चार्ट को कॉपी करने के लिए जस्ट क्लिक पॉज एंड कॉपी फटाफट. अरे कर लो ना, कर लिया ना, चलो बढ़िया. ओके फाइन, सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट टॉपिक. पिछले टॉपिक में, आई मीन पिछले लेक्चर्स में आपने काफी कुछ समझा था कॉपीराइट के बारे में. कॉपीराइट क्या है, कैसे होता है, एंड आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट द नंबर ऑफ थिंग्स विद इन विच द कॉपीराइट सबसिस्ट. कितनी चीजों में कॉपीराइट मिलता है. अभी इस चार्ट के ऊपर कुछ मत समझना, अभी इस चार्ट को मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी. ओके, कॉपीराइट का हल्का सा रिफ्रेश करूं मैं, हल्का सा रिकैप अगर करूं तो बताया गया था आपको कि आप बुक्स लिखते हैं, आप कहानी लिखते हैं, आप पोएट्री लिखते हैं, आप सॉन्ग्स लिखते हैं, जो म्यूजिक है, जो ड्रामा है, जो सिनेमाटोग्राफी है, जो मूवीज है, इन सबका कॉपीराइट होता है. कॉपीराइट का सिंबल हमने देखा था, द सी इनसाइड द सर्कल. तो छोटा सा सी बना होता है किताबों के अंदर या म्यूजिक सीडीज के ऊपर. इसका मतलब है कि वो सीडी सारी सारी कॉपीराइट है और आप उन सीडीज को कॉपी कर करके आगे मार्केट में नहीं बेच सकते, हालांकि मार्केट में बिकती हैं, ये आप जानते हैं. अब कॉपीराइट अपने आप में एक कानून है ऑब्वियसली, और हाँ ये कानून क्यों बनाया गया ये भी हम जानते हैं, ताकि जो क्रिएटिव लोग हैं वो क्रिएटिव लोग अपने दिमाग का एक पर्दे प्रोटेक्शन कर सकें, ताकि उनकी चीजें जो है मार्केट में चोरी ना हो, कोई भी इसमें पायरेसी वगैरह ना हो. पायरेसी मीन्स चोरी. कॉपीराइट मिलता है इन सब चीजों में, जैसे कि आपका म्यूजिक है, ड्रामा है, सिनेमाटोग्राफी, मूवीज हो गई, यहां तक कि आपने हमने डांस स्टेप की बात की थी, जो डांस स्टेप होते हैं पर्टिकुलर उसमें भी आपको कॉपीराइट मिलता है, जिसको हम ड्रामा में ही काउंट करते हैं. हमने एग्जांपल लिए थे श्यामक डावर के, फराह खान के, और आपने मूवीज देखी है कल हो ना हो, सॉरी नॉट कल हो ना हो, दैट कहो ना प्यार है समथिंग, अपनी ऋतिक रोशन, क्योंकि हालांकि मूवीज बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ डांस स्टेप ऐसे होते हैं जो आपके ऊपर एक मोहर छोड़ जाते हैं और आप हमेशा से आज तक ट्रेन को धक्का लगाते रहते हैं. यू नो कहो ना प्यार है, दैट धक्का वाला सॉन्ग, दैट कहो ना प्यार है, कहो ना एक पल का जीना, सॉरी. सो एक पर्टिकुलर डांस स्टेप है, और उस पर्टिकुलर डांस स्टेप को किसी और मूवी में नहीं दिखाया जाता. ऐसा क्यों? क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर कोरियोग्राफर का उसमें क्रिएटिविटी छुपी हुई है, और वो कोरियोग्राफर उस पर्टिकुलर डांस स्टेप को भी कॉपीराइट करवा देता है, और वो कहता है कि अगर इस डांस स्टेप को कहीं और किसी और मूवी में अगर आपने किया तो पहले मुझसे परमिशन ले लीजिएगा, वरना मैं केस करवा दूंगा, और परमिशन मुझे अगर मुझसे अगर आप लेंगे तो छोटा सा अमाउंट तो बनता है, क्योंकि ये डांस स्टेप मैंने ही इजाद किया था. ऐसे एक नहीं, बहुत सारे डांस स्टेप होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कॉपीराइट आपको किसी भी चीज में, चाहे म्यूजिक हो, नॉवेल्स हो, पोएट्री हो, कार्टून हो, एनिमेशन हो, सिर्फ तभी मिलता है जब आपके उस चीज में होती है दो बूंद जिंदगी की. दो बातें कौन कौन सी, जल्दी मुझे व्हाट्सएप कौन करेगा पहले बता दो यार, टाइम क्या हो रहा है वैसे. ओके, तो टाइम बहुत सही हो रहा है, रात के दो बज रहे हैं. अरे दो नहीं बज रहे, स्टूपिड. हाँ, दो बातें कौन कौन सी, दो बातें ये, क्रिएटिविटी. यस, क्रिएटिविटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए क्रिएटिव ऑब्वियसली यानी कि एक नयापन हो, एंड समथिंग इज द क्रिएटिविटी एंड ऑरिजिनैलिटी. यस, क्रिएटिविटी एंड ऑरिजिनैलिटी, द थिंग मस्ट बी ऑरिजिनल यार, कोई कॉपी ना हो किसी चीज का. ओके, अगर कोई एनिमेशन जैसे कि जंगल बुक, या जंगल बुक नॉवल को देखकर किसी ने अगर जंगल बुक कार्टून बना दिया जिसको मोगली जानते हैं, तो सर उस कार्टून पे कॉपीराइट नहीं मिलेगा, क्योंकि कार्टून जो बनाया गया वो जंगल बुक नॉवल को देखकर बनाया गया, कॉपी करके बनाया गया. समझ रहे हैं आप इस बात को? अगर इफ यू से गजनी, यस फेमस मूवी गजनी, अगर गजनी जो मूवी है, अगर हॉलीवुड की कोई गजनी बनी हुई है, क्योंकि गजनी मूवी बताया था आपको, एग्जाम्पल दिया था कि चार बार बन चुकी है, तीन बार इंडिया में और एक बार हॉलीवुड में, और पहले सबसे पहली बार बनी थी हॉलीवुड में, तो हॉलीवुड के बाद इंडिया में तीन बार और बन चुकी है, और चांस की बात है सारी तीनों की तीनों हिट गई हैं, जबकि हॉलीवुड जो असली थी वो किसी ने देखी नहीं होगी. खैर इंडियंस,
तो जो गजरी है वो जितनी बार ही बनी उस पर कॉपीराइट नहीं मिला, क्यों? क्योंकि वो अपने आप में ओरिजिनल वर्क नहीं है। क्योंकि देखिए, आप किसी भी चीज को कॉपी करके बनाएंगे तो उसमें ना ही ओरिजिनलिटी हुई और ना ही आपकी खुद की क्रिएटिविटी हुई, तो आपको आखिर हम प्रोटेक्शन क्यों दें? प्रोटेक्शन तो देना उसी बंदे को बनता है ना जिसने आखिर दिमाग लगाया था सबसे पहले इस दुनिया में। तो इसलिए कॉपीराइट उस पर्सन को ही मिलता है जिसकी क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी साथ में होती है। तो हमने डांस स्टेप की बात की, हम चाहे एनिमेशन की बात करें, चाहे पोएट्री हो, म्यूजिक हो, ड्रामा हो, सॉन्ग्स हो, स्टोरीज हो, एनीथिंग कुड बी देयर, एंड देयर इज अ कॉपीराइट प्रोटेक्शन इफ यू हैव टू थिंग्स, ओरिजिनलिटी एंड अ क्रिएटिविटी। आप सीएस के स्टूडेंट्स हैं, आप सुबह सुबह उठते हैं और आपको लगता है कि मेरे दिमाग में रात को एक गाना आया था और आपने बातों बातों में एक गाना लिख डाला, तो आपको लगता है कि ऐसा कोई सॉन्ग अगर नहीं है, किसी ने नहीं लिखा आज तक, फटाफट जाइए रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट ROC और वहां जाके अपने एप्लीकेशन लगाइए, आपको कॉपीराइट जरूर मिलेगा। कोई भी चीज लिखी है आपने, कोई डांस रैप, कोई म्यूजिक आपने बनाया है, धुन बनाई है आपने फ्लूट लेके या पियानो पे, या आपने कोई सॉन्ग लिखा है या कोई पोएट्री लिखी है, पोएट्री बहुत स्टूडेंट्स लिखते हैं स्पेशली गर्ल्स, है ना, तो वो अगर आप कॉपीराइट करवाना जानते हैं तो करवाइए, नहीं जानते तो मुझे बताइए, ये हमारा काम है, तो मैं अपनी फर्म में आपको ये काम कर दूंगा बहुत ही कम दाम में, बहुत ही कम फीस में, डोंट वरी। लेकिन ये सारी बात तो हो गई, इस सारी बात के बाद एक बात और है, वो ये कि कॉपीराइट आपको तभी मिलेगा जब ये कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी। इन कंडीशन को पढ़ने से पहले दो वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें लिखा हुआ है कॉपीराइट सबसिस्ट, चाहे म्यूजिक हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे सिनेमेटोग्राफी हो, चाहे एनिमेशन हो, चाहे पोएट्री हो, कुड बी एनीथिंग, द कॉपीराइट सबसिस्ट ओनली इफ, कॉपीराइट तभी मिलेगा अगर आप ये बातें सेटिस्फाई करेंगे। ये बातों को समझने से पहले इस वर्ड को समझिएगा कि आखिर ये पब्लिश और अनपब्लिश वर्क होते क्या है। समझना बड़ा ही आसान है, 30 सेकंड्स में आप समझ जाएंगे। कोई ऐसा म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी, कोई मूवीज, कोई पोएट्री, कोई ड्रामा, कोई स्टोरी जो मार्केट में आ चुकी है इसको बोलते हैं पब्लिश, और जो अभी तक मार्केट में आई नहीं, आपकी खुद की किताबों में है या दिमाग में है, इसको बोलते हैं अनपब्लिश, सिंपल। ओके, मेरी किताबें मार्केट में, जैसे कि मेरी बुक्स हैं ऑब्वियसली, तो मेरी बुक्स आप तक पहुंच चुकी हैं, मार्केट में मिलती हैं, दुकानों पर मिलती हैं, तो ये क्या है? पब्लिश वर्क है, ये पब्लिश हो चुका ना। ओके, कल हो ना हो मूवीज के गाने जो है वो मार्केट में आ चुके हैं, नहीं आए हैं, ऑब्वियसली वो आ चुके हैं, तो पब्लिश वर्क है। ओके, कोई मूवीज जो अभी आने वाली है, चाहे लेटेस्ट मूवी कौन सी है अभी जो आई हुई है कुछ टाइम पहले, मुझे मूवीज नहीं पता होती, सॉरी यार, मुझे हॉलीवुड मूवीज पता होती है और हॉलीवुड मूवीज में गाने तो होते ही नहीं है, तो खैर, चाहे कोई भी मूवी है लेटेस्ट है, और अगर ऑब्वियसली बात है कि अगर वो मूवीज आ चुकी है मार्केट में और उसका म्यूजिक भी लॉन्च अगर हो चुका है, तो दैट वर्क शुड बी नोन एज अ पब्लिश वर्क। लेकिन अगर अभी मूवी रिलीज नहीं हुई है, उसकी आने वाली भी डेट है और उसका भी म्यूजिक भी ठीक से लॉन्च अभी नहीं हुआ है, ऑब्वियसली बात है द वर्क इज स्टिल अनपब्लिश, वो वर्क अभी अनपब्लिश है। हैरी पॉटर जितनी भी मूवीज आ चुकी हैं वो सारी पब्लिश वर्क हुई हैं, और हैरी पॉटर जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है अभी तक आया नहीं है, शायद ट्रेलर चल रहा होगा उसका यूट्यूब पे कहीं ना कहीं पे, लेकिन अभी मूवी मार्केट में नहीं आई है, ना ही नॉवल आई है, उसको हम बोलेंगे पब्लिश हो गया या अनपब्लिश है, वो भी अनपब्लिश है। ठीक है, चलो, अब चाहे काम पब्लिश हो चाहे काम अनपब्लिश हो, दोनों ही सिचुएशन में आपको कॉपीराइट मिल जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो आप ही का है। अगर आप बोलो कि सर काम जब पब्लिश हो जाएगा तब कॉपीराइट लेने का फायदा क्या, और तब तो कोई चुराई लेगा ना, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुनिए, देखो, अगर कोई मार्केट में आप पोएट्री लेकर आए, कोई मार्केट में आप पोएट्री लेकर आए, फॉर एग्जांपल आपने कोई नॉवल लिखी, मैं आपके ऊपर एग्जांपल लेता हूं, आपने कोई नॉवल लिखी, आपने कोई पोएट्री लिखी, बढ़िया पोएट्री है, बहुत बढ़िया पोएट्री है, मैंने आपको एडवाइस किया कि यार बेटा तुमने बहुत बढ़िया पोएट्री लिखी है, इसका कॉपीराइट करवा लो, आपने कहा सर कॉपीराइट करवा के क्या होगा, मैंने कहा देखो अभी तो ये तुम्हारे किताब के पीछे वाले पन्ने में है, आखिरी पन्ने में हम पोएट्री लिखा करते हैं स्कूल से ही, लेकिन जब ये पोएट्री अखबार में आएगी, नॉवल में आएगी, मैगजीन में आएगी, और जगह जगह रोड पे जब नॉवल बनके बिकेगी, तो कोई कॉपी ना कर ले, तो तुम्हें कॉपीराइट करवाना है तो बता दो, मैं कॉपीराइट करवा दूंगा इसका मार्केट में फीस वगैरह करवा के। आप बोलोगे सर आपको ना अपनी कमाई की हमेशा पड़ी रहती है, हम ही नहीं करवाना कॉपीराइट, हम तो ये छापेंगे, ठीक है छापो भाई।
आपने उस नॉवल के उस पोएट्री के फोटोकॉपी करवाए, बढ़िया कवर डिजाइन किया और बढ़िया पब्लिशर के पास गए, प्रिंटिंग की दुकान से आपने इसकी 200 कॉपीज निकलवाई और आपने आसपास के बुक स्टोर्स पर वो नॉवल रखवा दी। तीन दिन के बाद आप उन्हीं बुक स्टोर्स में गए और बोला, भैया कितनी नॉवल बिक गई? वो बोलता है, ओहो मैडम वापस आ गए आप, सारी नॉवल बिक गई, कहां थे आप, और नॉवल चाहिए, बड़ी डिमांड है यार, क्या कर रहे हो आप? अब बोलते, ओहो इतनी डिमांड है, पब्लिक डिमांड है, मुझे पता ही नहीं था इस बात का। फिर आपको लगता है कि आप फेमस हो रहे हो, आपका काम पब्लिश हो चुका है, नहीं हुआ है, आपका वर्क पब्लिश हो चुका है, लेकिन उसके बाद आपके वो क्या कहते हैं, वो बैक ऑफ द माइंड घंटी बजती है और आप कहते हो, यार हाँ मुझे अब लगता है शायद मुझे कॉपीराइट करवा देना चाहिए, क्योंकि शायद अब इस काम को हो सकता है कोई कॉपी करने की कोशिश करे क्योंकि मैं फेमस हो गया हूं। आप किसी के काम को कॉपी क्यों करते हो? क्योंकि वो काम अच्छा होता है, वो काम फेमस होता है। जो चीज फेमस नहीं है उसे कभी कोई कॉपी नहीं करता, लाइफ में ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। या अगर कॉपी करता भी है तो इस तरीके से करता है कि वो आगे और फेमस हो जाए बंदा। बचपन में भी आप किसी के आंसर कॉपी अभी करते हैं ना, जब आपको लगता था कि उसका आंसर करेक्ट है। अगर आपका कोई दूर दोस्त है और उसको लगता था कि नहीं इसने आंसर रॉन्ग लिखा है, उसके आंसर को अभी आपने कभी कॉपी किया है? नो, आप उसके आंसर शीट देखते भी नहीं थे। दोस्त कहता था, भाई तू फेल ना हो जाइयो, तेरा भाई तेरे लिए बैठा है, ले मेरा आंसर कॉपी कर ले। आप बोलोगे, ना जी ना, मेरे को कॉपी नहीं करना, तेरा आंसर लूंगा तो शायद नेगेटिव मार्क्स आएंगे मेरे, मेरे को नहीं करना कॉपी। तो दैट सिचुएशन, यू कॉपी ओनली दोज थिंग्स विच आर एक्चुअली ओरिजिनल एंड क्रिएटिव एज वेल एज गोइंग टू बी बिकम वेरी फेमस। सो इन बोथ द केसेस, चाहे काम पब्लिश हो चुका हो तो भी आप बाद में जाकर सब्सिक्वेंट कॉपीराइट करवा सकते हो। अगर आपको काम कॉपीराइट अभी नहीं हुआ है, सॉरी पब्लिश अभी नहीं हुआ है, पब्लिश होने से पहले भी आप पहले से एडवांस में ही एक अलर्ट रहकर कॉपीराइट ले सकते हो। ठीक है, चलो जी, अब हमारे पास यहां पे दो सिचुएशंस हैं। एक्चुअली तीसरी सिचुएशन एकदम अलग है, उसकी हम बात नहीं करेंगे आर्किटेक्चर वर्क की। हमारे पास दो ही सिचुएशन है अल्टीमेटली जिसपे आपने दिमाग लगाना है, और यहां दिमाग अगर लगा लिया तो लाइफ झिंगा लाला। ओके, आपने ऐड देखा है वो, यहां दिमाग लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो झिंगा लाला करने के लिए हेडिंग पढ़िए एक बार, कॉपीराइट सब्सिस्ट इफ। कॉपीराइट आपको तभी मिलेगा जब आपका पब्लिश वर्क अगर हो गया है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, और अगर अनपब्लिश वर्क में कॉपीराइट चाहिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। कंडीशंस 1, 2, 3 नहीं है, कंडीशंस इस पॉइंट की ये कंडीशंस है, इस पॉइंट का ये कंडीशंस है और इस पॉइंट की ये कंडीशन है। ओके, पहला कंडीशन लेते हैं, और जब आपको मैं ये वाला पॉइंट पढ़ा रहा हूं तो प्लीज बाकी दो पॉइंट को ध्यान में मत रखिएगा। ओके, चलिए, कॉपीराइट आपको तभी मिलेगा जब आपका वर्क अगर पब्लिश हो चुका है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहला केस, इफ योर वर्क इज पब्लिश, योर वर्क इज इन टू द मार्केट, आपका काम मार्केट में हिट कर रहा है। तो कंडीशन नंबर वन, आपका जो वर्क है वो पहली बार पब्लिश इंडिया में होना चाहिए तो ही आपको कॉपीराइट इंडिया में मिलेगा। लेकिन लॉजिक सी बात है, बिल्कुल लॉजिकल बात है कि आप इंडिया में बैठे हैं और आपको इंडिया में कॉपीराइट अगर चाहिए, अगर आपको इंडिया में अगर कॉपीराइट चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉपीराइट लेने के लिए आपका काम पहली बार इंडिया में पब्लिश होना चाहिए। ओके, तो कॉपीराइट इज अवेलेबल, साफ से लिखा है कॉपीराइट इज अवेलेबल। ओके, सो इफ योर वर्क इज पब्लिश्ड, इट इज रिक्वायर्ड दैट योर वर्क मस्ट बी फर्स्ट पब्लिश इन इंडिया। पॉइंट क्लियर? आप कहीं भी हो फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी हो फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल लीजिए मेरी तरफ से, एक एग्जाम्पल फ्री। पहला एग्जाम्पल, आप इंडिया में हो, आप घर बैठे हो इंडिया में हो और आपने बहुत बढ़िया पोएट्री लिखी, ओके, और पोएट्री लिखने के बाद आपने उसको पब्लिश करवाया, वर्क पब्लिश हो गया, अनपब्लिश है, वर्क पब्लिश हो गया, पब्लिश होने के बाद कॉपीराइट लेना चाहते हो, ले सकते हो, क्या मिलेगा कॉपीराइट? देखते हैं, आंसर मत दीजिए, देखते हैं। कॉपीराइट तब मिलेगा जब वर्क अगर पब्लिश है तो, आपका वो काम पब्लिश है, यस पब्लिश है। क्या पहली बार वो काम इंडिया में पब्लिश हुआ है? यस, आप ही के शहर में पब्लिश हुआ है और आप इंडिया में ही रहते हो, क्या कॉपीराइट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, कंडीशन सेटिस्फाइड। अंडरस्टैंड दैट? दूसरा, वर्क आपका पब्लिश हो चुका है, वर्क फर्स्ट पब्लिश आउटसाइड इंडिया, अगर आपका काम
पहली बार इंडिया से बाहर पब्लिश हुआ है, तब ये रिक्वायरमेंट है कि जो ऑथर है, जिस दिन काम पब्लिश हुआ है द ऑथर वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जिस दिन काम पब्लिश हुआ है उस दिन ऑथर भारत का नागरिक हो, जिस दिन काम पब्लिश हुआ है या फिर जिस दिन उसकी डेथ हुई है। ओके, आई रिपीट, दो केस हो गए यहां पे। पब्लिश वर्क के केस में कॉपीराइट तब मिलेगा तब जब अगर वर्क फर्स्ट पब्लिश इंडिया में हुआ है, और अगर वो इंडिया से बाहर हुआ है तो जिस दिन वो काम पब्लिश हुआ है ऑथर भारतीय नागरिक होना चाहिए, जिस दिन काम पब्लिश हुआ है उस दिन या उस दिन उसकी डेथ हुई है। आपको एग्जाम्पल लीजिए, लेट्स से एक आम इंसान है, लेट्स से एक आम इंसान है, वो मतलब थोड़ा लेखक टाइप का पर्सन है, खोया खोया सा रहता है, वो गोवा गया घूमने, गोवा okay, गोवा आपने सुना है बॉम्बे के पास में है, गोवा के किनारे समुद्र के किनारे वहां गोवा पे बीच पर बैठ के वो देखता है समुद्र के किनारे बैठ के लहरों को आते हुए, लहरों को जाते हुए और सूरज उगते हुए सूरज डूबते हुए, रेत में बैठा है, रेतों को देखता है और काफी कुछ देखता ही रहता है वो, और लिखना शुरू करता है और लिखते लिखते कुछ ऐसा लिख डालता है कि पढ़ने पर कहता है माशाल्लाह क्या लिख दिया मैंने, वाह वाह वाह। अब वो चाहता है कि उस काम को वो मार्केट में लेकर आए और उससे पैसे कमाए, वो जाता है किसी पब्लिशर के पास और जाकर बोलता है साहब जी मैंने ना ये 8-10 पन्ने लिखे हैं, तुम इसको बढ़िया सी राइटिंग में टाइप करके बढ़िया सी कंपाइलर बनाकर कल के अखबार में छाप देना और मुझे इसके ऊपर कुछ लाख रुपए चाहिए, जो भी है मेरी कमाई वगैरह हुई, ठीक है, नॉवल वगैरह निकालना चाहता है, कॉपीराइट की बात नहीं हुई, पब्लिशर कहता है ओके, पब्लिशर ने इसकी कॉपी निकाल दी मार्केट में और मार्केट में इसकी कॉपीज बिक भी गई, जो पोल्ट्री से जुड़े हुए अच्छे लोग हैं और जो पोल्ट्री पसंद करते हैं उनको ये पोल्ट्री बड़ी पसंद आई जी, और उन्होंने इसकी कॉपी की और डिमांड की, हर बुक स्टोर में जहां जहां ये पोल्ट्री रखवाई थी वहां वहां से ये नॉवल उठ गई, जो भी ये 50-60 पन्नों की थी सारी नॉवल बिक गई। अब वो ऑथर कहता है कि भाई मुझे इसका कॉपीराइट लेना है, तो आपके पास आता है और कहता है, क्योंकि आप क्वालिफाइड कंपनी से इंटरव्यू है, और आपके पास आके बोलता है कि यार मुझे ना इस नॉवल का कॉपीराइट लेना है, क्या मैं कॉपीराइट ले सकता हूं, आप सबसे पहला सवाल उससे पूछोगे क्या काम पब्लिश हो चुका है, वो बोलता है हां सर पब्लिश हो चुका है, फिर आप बोलो क्या काम पहली बार जो पब्लिश हुआ इंडिया में पब्लिश हुआ बाहर हुआ, वो बोलेगा सर नहीं सर इंडिया में ही पब्लिश हुआ, गोवा की किसी पब्लिशिंग कंपनी को मैंने ये काम दिया था पब्लिश करने के लिए, उसने पब्लिश कर दिया, आप बोलोगे बिल्कुल कॉपीराइट मिलेगा, आपने काम पहली बार पब्लिश इंडिया में किया है, पब्लिश हो चुका है, कॉपीराइट टोटली मिलेगा, ठीक है चलो जी। लेकिन वही ऑथर ऐसे फेमस होने लगा, डे बाय डे फेमस होने लगा, और फेमस होते होते अब वो बाहर जाना चाहता है, इंडिया के बाहर जाना चाहता है, और वो ज्यादा लंदन, यू नो लंदन, यूके, यूके में एक नदी है थेम्स नाम से, और लंदन में थेम्स के किनारे बैठकर उसको गंगा नदी की याद आती है, गंगा यमुना सरस्वती की याद आती है, और थेम्स नदी के ऊपर उसने एक नॉवल लिख डाली, वही 70-80 पन्नों की, कि क्या लंदन है, क्या बिल्डिंग है, क्या हवा है, क्या ताजगी है, और क्या ये हैमिल्टन ब्रिज है, मजा आ गया जी, आह क्या बात है। तो सर जो लिखने वाला था वो इंडियन सिटीजन था, और उसने वो नॉवल लिखने के बाद लंदन में ही प्रिंट करवाई, वहीं पर पब्लिश करवाई, सुनिए ध्यान से, लंदन में ही पब्लिश करवाई, लंदन में पब्लिश करवाकर पैसे कमाकर पाउंड्स में आपसे फोन पे बोलता है डियर कंपनी सेक्रेटरी यार मैंने जो एक नई दूसरी नॉवल लिखी है ना वो दूसरी नॉवल तो लंदन में ही पब्लिश करवा दी, आपने बोला वो तो ठीक है लेकिन तू एक चीज बता, तूने अगली नॉवल दूसरी नॉवल जो लिखी, पहली नॉवल तो गोवा में पब्लिश करवाई, दूसरी लंदन में पब्लिश क्यों करवाई पागल आदमी। वो कहता है एक्चुअली ना गोवा तो इंडिया का था इसलिए इंडियंस को पसंद आनी थी, लेकिन लंदन तो लंदन वालों को है ना, तो लंदन की बारे में जो तारीफ थी वो इंडियंस को थोड़ी ना पसंद आती, लंदन की तारीफ है तो यार मेरे को तो इन लोग को ही पसंद करवानी थी ना इसलिए मैंने यहीं पे छापी है। आप बोलते हो हाँ बात तो सही है, अब तेको क्या चाहिए, बोलता है यार कॉपीराइट चाहिए, मिलेगा नहीं मिलेगा इतना बताओ। तो कहता है ठीक है, पब्लिश हो चुका है नहीं हुआ, कहता हाँ पब्लिश तो मैंने कर दिया हफ्ते भर पहले, पब्लिश हो गया ठीक है, पब्लिश हो चुका है ओके, वर्क पब्लिश कहां हुआ, इंडिया में, इंडिया के बाहर, वो कहता है ना जी इंडिया के बाहर हुआ, लंदन इंडिया के बाहर पड़ता है थोड़ा सा,
तो वर्क फर्स्ट पब्लिश आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो अगर वर्क फर्स्ट पब्लिश आउटसाइड इंडिया तो जिस दिन वर्क पब्लिश हुआ है उस दिन वो ऑथर इंडिया का सिटीजन था या नहीं था? इंडिया का सिटीजन बिल्कुल था जी, वो कोई एनआरआई बन गया, हफ्ते भर के टूर पे गया था, वहां जाके उसने गलती से नॉवल लिख डाली, एक इतनी गलती हो गई उससे, तो बस उसको इंडिया में कॉपीराइट मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यहां पर इसलिए नहीं मिलेगा कि नॉवल उसकी बाहर पब्लिश हुई, इसलिए मिलेगा कि वो इंडिया का सिटीजन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत ही माइन्यूट डिटेल है, इसमें बड़ा आसान है। इंडियन पब्लिश वर्क अगर पब्लिश है तो ऑब्वियसली या तो पब्लिश इंडिया में हुआ या फिर अगर इंडिया से बाहर हुआ है तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। काम खत्म, काम खत्म सर, काम खत्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट सनोरितो? ठीक है, अगर 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 मान लो बेचारा वहां पे लंदन में बैठा बैठा किसी कार एक्सीडेंट में अगर मर भी गया ना, तो मरने के टाइम पर वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, तो भी उसे इंडिया में कॉपीराइट मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, चलो। दूसरा पार्ट है, अनपब्लिश वर्क। अनपब्लिश वर्क कॉपीराइट लेना है तो ऑथर का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है या फिर इंडिया में रहता है, यह जरूरी है। इंडिया में रहता है तो भी चलेगा। ओके, आपने बचपन में बड़ी सारी पोइट्रीज पढ़ी होंगी, जैसे कि मर्चेंट ऑफ वेनिस, शेक्सपियर, रडयार्ड किपलिंग की कहानियां, नॉट जस्ट ऑरेंजेस, ऐसी बड़ी सारी पोइट्री और कहानियां थी बचपन में लिटरेचर में जो हमको टॉर्चर किया करती थी और एग्जाम में उसमें क्वेश्चन भी आते थे, अजीब सी बात है। वो सारी कहानियां और वो सारी पोइट्री इंडियंस की तो थी ही नहीं। कोई ऑथर पता नहीं कीव्स नाम से था, कोई ऑथर था रडयार्ड किपलिंग, कोई ऑथर कोई फलाना, यानी कि सारे गोरे ऑथर्स इंडिया में आए और यहां पे एजुकेशन सिस्टम का बेड़ा कर करके चले गए, पोएट्री लिख गए, लेकिन हमारा सिलेबस बढ़ा के चले गए लिटरेचर का। तो सर कोई बाहर का बंदा इंडिया आता है और कश्मीर जाता है और कश्मीर मनाली घूम घूम के वो वहां की वादियों के बारे में एक गलती से नॉवल लिख डालता है, वैसे तो पॉल्यूशन ही मिलेगा उसे, लेकिन फिर भी लिख डालता है। अब दो बातें होंगी, या तो पब्लिश करवाने के बाद कॉपीराइट लेगा या पहले कॉपीराइट लेगा। अगर पब्लिश करवाने के बाद कॉपीराइट लेगा तो आप सेकंड पॉइंट को नहीं बल्कि फर्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे, और पब्लिश अगर हो गया है उसका काम बाद में कॉपीराइट लेने के लिए आपके पास आता है तो उससे आप बोलिए पब्लिश कहां हुआ है, आप वो बोलेगा पब्लिश ऑलरेडी हो चुका है। फिर आप उससे पूछे कहां पब्लिश हुआ है, इंडिया में इंडिया के बाहर, वो बोलेगा ना इंडिया में ही हुआ है, कश्मीर की किसी नॉवलिस्ट कश्मीर के किसी पब्लिशर के पास में गया था, वहां पे मैंने पब्लिश करवा लिया। तो सर अगर इंडिया में पब्लिश हुआ है तो फिर उसको कॉपीराइट जरूर मिलेगा, भले ही ऑथर कहां का हो इससे फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से देखिए फर्स्ट पॉइंट को, फर्स्ट पॉइंट में ऑथर कहां का है इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन अगर वही रडयार्ड किपलिंग, अगर वही गोरा ऑथर वापस जाता है अपने कंट्री में इंग्लैंड या कहीं अमेरिका और बाहर जाकर अपने ही कंट्री में पब्लिश करवाता है, तो ऑथर भी बाहर का, पब्लिश भी बाहर करवा रहा है, कहानी इंडिया की है, तो सर हमारे यहां कॉपीराइट नहीं मिल सकता क्योंकि ऑथर भी बाहर का है और पब्लिश भी बाहर हुआ है। ओके, क्योंकि इंडिया में कॉपीराइट लेने के लिए या तो पहली बार इंडिया में पब्लिश करो या फिर ऑथर को इंडियन बनाओ। अगर ऑथर इंडियन है तो कॉपीराइट मिलेगा, पहली बार पब्लिश इंडिया में हुआ है तो कॉपीराइट मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो पब्लिश होने से पहले ही बोलता है कि मुझे इस कहानी को कॉपीराइट करवाना है, तो जरूरी यह है कि ऑथर का इंडियन होना चाहिए या फिर ऑथर उस टाइम पे इंडिया रह रहा हो किसी भी बिल्डिंग में, यानी किसी घर में रह रहा हो, ठीक है। तो अगर वो ऑथर इंडिया में अभी रह रहा है उस टाइम के लिए, भले ही वो गोरा है तो भी कॉपीराइट मिल जाएगा, या फिर अगर वो ऑथर सिटीजन है इंडिया का, नागरिक है, तो भी कॉपीराइट मिल जाएगा दोनों केस में। तो अनपब्लिश वर्क में तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपके दोनों पार्ट क्लियर हुए, आई यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके ऊपर एग्जाम में से क्वेश्चन आएगा सर, बिल्कुल आएगा, मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आप चाहे 2006 का पेपर उठा के देख सकते हैं, बिल्कुल। ओके, तीसरा एक और पार्ट है आर्किटेक्चर वर्क। आर्किटेक्चर वर्ड आप बोलेंगे सर आर्किटेक्चर वर्ड में कोई चीज कॉपीराइट कैसे हो सकती है, क्योंकि आर्किटेक्चर वर्ड में तो यू नो लाइक बिल्डिंग्स होती हैं या कोई लाइक यू नो टावर्स होते हैं सो एंड सो, तो इसको कॉपीराइट कैसे हो जाएगा, बिल्डिंग के ऊपर ठप्पा लगाएंगे कि हम कॉपीराइट का ना। एक्चुअली आर्किटेक्चर वर्क में
बिल्डिंग पे ठप्पा नहीं लगाते, आर्किटेक्चर वर्क कोई भी करना होता है पहले उसके मैप बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, ब्लू प्रिंट्स बनते हैं, बताया ना आपको आर्किटेक्चर के पूरे डिजाइन बनते हैं घरों के डिजाइन वगैरह। पता नहीं आपने कोई अजीबो गरीब बिल्डिंग्स देखी कि नहीं देखी, आपने कभी कोई ऐसा मैप देखा है कि नहीं देखा किसी भी प्रमाइसिस का जो आपको बहुत ही सुंदर बहुत ही बढ़िया लगे और देखो कि क्या बात है माशाल्लाह, आहा मजा आ गया सुभान अल्लाह। तो सर इंडिया में तो शायद आपको ऐसा ना मिले, हालांकि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे ऐसा मिल सकता है, जैसे कि यहां पे गुड़गांव है वहां पे कुछ गलती से ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं, बैंगलोर क्या बात है, चंडीगढ़ ओहो क्या बात है, ये तो जगह हो गई। लेकिन अगर आपको इंडिया के बाहर जाना है तो कुछ कंट्रीज हैं जहां पे आपको बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स मिलेंगी और ऐसे ऐसे डिजाइन मिलेंगे ना आपने सोचा भी नहीं होगा। दुबई उनमें से एक है, अबू धाबी, हांगकांग उनमें से एक है, चाइना, अंडरस्टैंड। तो या अभी लंदन में एक बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनी है कुछ साल पहले, वो भी बड़ी सुंदर है, इट्स लाइक अ डिजाइन लगा एग, इट्स लाइक अ डिजाइन लगा एग। तो सर इतने प्यारे प्यारे डिजाइन आर्किटेक्चर सोचते हैं और वो डिजाइन सिर्फ बनाने ही नहीं है, उसमें हमने लोगों को भी शिफ्ट करना है ताकि वो बिल्डिंग गिरे ना, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म रहे। तो इतने बढ़िया ब्यूटीफुल डिजाइन बनाना एक आसान काम नहीं है। तो इन सिचुएशंस में वो चाहते हैं कि जो डिजाइन उन्होंने तैयार किया वो डिजाइन कोई और आर्किटेक्चर कॉपी ना करे, इसके लिए वो कॉपीराइट लेते हैं। हम यहां पे अबू धाबी या लाइक चाइना हांगकांग की बात तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इंडियन लॉ है। इंडिया में ऐसे आर्किटेक्चर्स हैं जो आर्किटेक्चर्स बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल डिजाइन तैयार करते हैं और वो चाहते हैं कि उन डिजाइन को कोई कॉपी ना करे, इसमें सिर्फ ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स का एक आउटर एक्सटीरियर डिजाइन ही नहीं आता बल्कि उस बिल्डिंग के अंदर छुपी हुई जो एक फैसिलिटीज हैं वो भी आती हैं, जैसे कि फाउंटेन हो गया, लिफ्ट हो गई, पार्किंग लॉट्स हो गए, लिविंग रूम्स हो गए, बैल्कनीज हो गई, सिनर्जी एरिया हो गया, उस बिल्डिंग के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटी दी हुई है, तो वो पूरा इंटरनल नक्शा सारा का सारा पास होता है। और अगर लगता है आर्किटेक्चर को कि मैंने ये नक्शा ये मैप बहुत ही बढ़िया बनाया है तो वो चाहे तो उस मैप का कॉपीराइट ले सकता है। लेकिन कॉपीराइट लेने के लिए जरूरी ये है कि वो जो आर्किटेक्चर वर्क है, जो बिल्डिंग है, जो प्रमाइसिस है, जो टावर है, जो नक्शा है, वो कहां होना चाहिए, वो बिल्डिंग खड़ी होनी चाहिए इंडिया में। ओके, जैसे कि मुझे कुछ कंपनी का नाम बताइए जो कंपनीज बिल्डिंग्स बनाती हैं, बताइए कुछ नाम बताइए जो कंपनी कंस्ट्रक्शन में है, टेल मी कम ऑन टेल मी सम नेम्स, टेल मी सम फ्यू कंपनीज विच आर अंडर कंस्ट्रक्शन, आई मीन नॉट अंडर कंस्ट्रक्शन, विच आर इन टू द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, टेल मी फटाफट। मैं बताऊं? हाँ, कुछ जॉब तो आ गए मेरे पास। डीएलएफ फेमस नाम है आप जानते हैं, सुपरटेक यस, अंसल यस, ओमेक्स बिल्कुल, पार्श्वनाथ बिल्कुल ठीक बात है, लैंको इंफ्रा बिल्कुल ठीक, ऐसे एक नहीं ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, एमजीएफ एमआर ये भी बहुत बड़ा ग्रुप है बाहर का। तो ये कुछ कंपनीज हैं जो कि आर्किटेक्चर में जुड़ी हुई हैं और ये बिल्डिंग्स बनाती हैं, सोसाइटीज बनाती हैं, बिल्डिंग खड़ी करती हैं, सो ब्यूटीफुल टावर्स वगैरह भी होते हैं। अब एग्जांपल तौर पे मान लीजिए डीएलएफ, डीएलएफ एक अच्छी खासी कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है और डीएलएफ ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल मॉल बनाना है, इतना ब्यूटीफुल मॉल कि उसके अंदर पार्किंग लॉट भी होगा और लाइक एक फिश एक्वेरियम भी होगा, बहुत बड़ा सा थिएटर भी होगा एंड मतलब बहुत कुछ है। हाउ कैन आई इमेजिन बिकॉज आई एम नॉट आर्किटेक्चर, सो इट कुड बी डिफरेंट थिंग, बट द मॉल वुड बी इन सिंगापुर। मॉल जो बनाना चाहती है डीएलएफ वो सिंगापुर में बनाना चाहती है, तो क्या उस ब्यूटीफुल डिजाइन का इंडिया में कॉपीराइट मिलेगा? आंसर इज नाउ, नहीं मिलेगा इंडिया में कॉपीराइट नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह हो गया कि अगर सेम टू सेम डिजाइन का एक और मॉल डीएलएफ बैंगलोर में बनाना चाहे तो बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है, या सेम
डिजाइन का मॉल सुपरटेक अगर इंडिया में बनाना चाहती है बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है, क्योंकि जो डीएलएफ ने बनाया मॉल सिंगापुर में उसका कॉपीराइट डीएलएफ नहीं ले पाया, इसलिए सुपरटेक के बंदे गए सिंगापुर, वहां जाके उस मॉल का डिजाइन देखा, वीडियो बनाई, फोटोग्राफ खींची और इंडिया में के डिस्कस किया, और इंडिया में अगले 3 साल के अंदर अंदर एक और ऐसा मॉल खड़ा किया बैंगलोर के अंदर। तो सुपरटेक ये काम कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, और डीएलएफ कोई मुकदमा नहीं कर सकती, क्योंकि डीएलएफ ने उस मॉल के ऊपर, उस डिजाइन के ऊपर कोई कॉपीराइट लिया ही नहीं था, ले ही नहीं सकती थी, क्योंकि जो मॉल है वो सिंगापुर में था। बल्कि अब उल्टा हो जाएगा, सुपरटेक ने जो इंडिया में मॉल बनाया है डीएलएफ कॉपी करके सिंगापुर का, तो वो बैंगलोर के मॉल के ऊपर यानी डिजाइन के ऊपर एक कॉपीराइट ले सकती है। आई गेट माय पॉइंट। तो वर्क शुड बी लोकेटेड इन इंडिया। मैं आपसे छोटा सा एक सवाल और पूछता हूं, बल्कि बहुत ही वियर्ड एग्जाम्पल होगा, क्वेश्चन होगा, आईफिल टावर, क्या आईफिल टावर आप बना सकते हैं इंडिया में? हां जी, क्या आईफिल टावर हम इंडिया में बना सकते हैं? एक आईफिल टावर इंडिया में, हां जी, कनॉट प्लेस के बीच में, एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और एक पिरामिड, जिसमें घर के अंदर, उसके अंदर लोग रहते हैं, मतलब जिंदा लोग रहते हैं, पिरामिड ऑब्वियसली वर्ल्ड का पहला पिरामिड जिसमें जिंदा लोग हैं, बना सकते हैं? बनाइए बनाइए, कोई मना थोड़ी ना, बिल्कुल बनाइए, बिल्कुल बनाइए, हाँ हाँ बनाइए बनाइए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि मैं तो कह रहा हूं इंडिया में आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, वो आईफिल टावर सब बनाइए, बल्कि अमेरिका भी अपने कंट्री में ताजमहल बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक चीज बताओ, अगर कोई कपल शादी होने के बाद सोचता है कि जी हम तो पेरिस जाएंगे और पेरिस जाके आईफिल टावर पे हम फोटो खिंचवाएंगे, लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने एक 5 फ्लोर जितना लंबा आईफिल टावर बना दिया यहां पे नुक्कड़ में अपने 2 चौराहों के पीछे, बीच वहां पे बसे बसे कभी कभी टकरा जाती हैं, कोई पतंग वतंग भी फंस जाती है उस आईफिल टावर के बीच में, और कभी कभी लोगों के घर में धूप नहीं आती तो वो वहां जाके भी अपने कपड़े सुखा देते हैं, हो जाता है कभी कभी। तो वो कपल सोचता है कि क्यों जाके पेरिस जाके हम अपने पैसे बर्बाद करें, यहां नुक्कड़ के पीछे अपने 2 गली पीछे चाट वाले के पीछे सरकार ने आईफिल टावर बनाया है, वहीं फोटो खिंचवा लेते हैं ना, एक ही तो बात है। तो क्या ऐसी बात है? जी नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं जो अपने ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस की वजह से जानी जाती हैं, और ऑब्वियसली बात है उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। ताजमहल का अपना ग्रेस है जो आगरा में है, वर्ल्ड फेमस है, और अगर कोई ताजमहल बांग्लादेश में बन जाए, चाहे पाकिस्तान में बन जाए, चाहे किसी भी कंट्री में बन जाए, तो उस कंट्री के लोग उस जगह का ताजमहल देखकर खुश नहीं होंगे उतना जितना वो इंडिया में आकर यहां का ताजमहल देखने में होंगे, भले ही हूबहू क्यों नहीं बन जाता है। और इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है, इसका मतलब आप जान सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल, ये तो वो मतलब हो गया कि अगर आप कोई मूवी देखते हो और अगर आपको कोई मूवी का स्टोरी सुना दे मुंह से, तो उसमें कितना फर्क रहता है। ओके, सो ये बुरी बुरी बातें थी। कॉपीराइट आपको तब मिलेगा जब आपके इन तीनों पॉइंट में से कोई ना कोई पॉइंट सेटिस्फाई होगा। काम अगर आपका पब्लिश है तो सेटिस्फाई कीजिए कंडीशंस, अगर अनपब्लिश वर्क में कॉपीराइट लेना चाहते हैं या अक्सेप्टेड वर्क में कॉपीराइट लेना चाहते हैं, तो उनकी तीनों की अलग अलग बातें हैं। ओके, सो एग्जाम के लिए ये वाला पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, एंड दिस पार्ट हैज बीन डन। खत्म नहीं हुआ पार्ट, आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये वाली हेडिंग जो थी, द कॉपीराइट शैल नॉट सबसिस्ट अनलेस द फॉलोइंग कंडीशन सैटिस्फाइड। कॉपीराइट आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये पॉइंट सैटिस्फाइड ना हो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, यानी कि ये कंडीशन सैटिस्फाई होनी ही पड़ेंगी। आप एक काम करें, आप अपनी बुक में जो 1, 2, 3 पॉइंट्स हैं, इन 1, 2, 3 पॉइंट्स को ब्रैकेट बनाए, मेक अ ब्रैकेट कवरेज, लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट बनाए और ब्रैकेट में 1, 2, 3 पॉइंट्स को कवर करें फटाफट, 1, 2, 3 पॉइंट्स को कवर करें और ब्रैकेट के बगल में लिखें, ब्रैकेट के बगल में लिखें, ब्रैकेट कवर कैसे करते हैं पता है ना, ऐसे बताऊं, मतलब कोई भी पॉइंट्स अगर होते हैं, बताया मैंने पहले भी कई बार, मतलब कोई भी अगर पैराग्राफ हो, जैसे ये पैराग्राफ अगर है, ये पैराग्राफ अगर है, जैसे मे बी फर्स्ट पैराग्राफ कवर कर लो, सेकंड पैराग्राफ कवर, इस तरह से कवर करना होता है। ओके, यहां पे फिर लिखना होता है। ओके, तो अभी जो आपके 1, 2, 3 पॉइंट्स हैं, उस 1, 2, 3 पॉइंट्स को कवर करो और लिखो उसके बगल में कंडीशंस फॉर कॉपीराइट। कॉपीराइट तब मिलेगा जब ये कंडीशंस आप सेटिस्फाई करेंगे।
डिस्कस. चलो नीचे द कॉपीराइट शैल नॉट सब्सिस्ट इन द फॉलोइंग वर्क्स. इन सब कामों में कॉपीराइट आपको नहीं मिलेगा. इन सब कामों में मतलब इन दो कामों में, नंबर वन नंबर टू, इन एनी सिनेमेटोग्राफी फिल्म इफ द सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द इज इन एन इंफ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट ऑफ एनी अदर वर्क. बहुत ही प्यारी में बोली हुई है. कहा गया अगर आपने किसी कोई मूवी बनाई है, मतलब आपने मतलब कोई डायरेक्टर होगा, आप तो बना नहीं सकते ना, आप तो आम इंसान हो. किसी ने अगर कोई मूवी बनाई है और उस फिल्म मेकर को कॉपीराइट लेना है तो उस फिल्म मेकर को भी कॉपीराइट नहीं मिलेगा अगर उस मूवी का सब्सटेंशियल यानी कि मेजर पार्ट जो है वो किसी और मूवी का या किसी और चीज से कॉपीराइट करके इंफ्रिंज किया गया है. आई रिपीट, कॉपीराइट आपको तब भी बिल्कुल नहीं मिलेगा सिनेमेटोग्राफी में यानी कि मूवीज में अगर आपने मूवीज का जो मेजर पार्ट है, जो मैक्सिमम पार्ट है, वो मैक्सिमम पार्ट आपने किसी और जगह से कॉपी पेस्ट किया है. ओके okay, और वो दूसरी जो जगह, पहली जो जगह थी वो ऑलरेडी कॉपीराइट थी, यानी कि आपने इंफ्रिंजमेंट किया है, इंफ्रिंज चीज जो है उसके ऊपर कॉपीराइट आपको नहीं मिलेगा. एग्जाम्पल लेते हैं थ्री इडियट्स. तो चेतन भगत की 5.1 एक नॉवल थी जिसके ऊपर काफी लड़ाई हुई थी कि चेतन भगत का कहना था कि मेरी नॉवल 5.1 को देखकर, को पढ़कर आपने थ्री इडियट्स मूवी बनाई है. आमिर खान ने कहा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमारी थ्री इडियट्स मूवी जो है वो बिल्कुल एक फ्रेश स्टोरी है. चेतन भगत ने कहा नहीं, मेरी 5.1 नॉवल जो है ये तो पहले से ही मार्केट में आ चुकी है और इसकी मैक्सिमम स्टोरी आपकी मूवी से मैच करती है. बाद में मामले को सेटल किया गया. सब्सटेंशियल का मतलब कितना है ये तो डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन सब्सटेंशियल का मतलब ये बताया गया कि मेजर पार्ट, मैक्सिमम पार्ट. ओके तो इसलिए शायद थ्री इडियट्स को कॉपीराइट नहीं दिया जाता, लेकिन मामला सेटल हो गया इसलिए थ्री इडियट्स को कॉपीराइट मिल गया. ओके जैसे कि राम गोपाल वर्मा की आग. ओके राम गोपाल वर्मा, पता नहीं आग क्यों लग गई उसके अंदर, लेकिन एक मूवी थी शोले, तो शोले का मैक्सिमम पार्ट देखकर राम गोपाल वर्मा की आग बनाई गई. तो ऑब्वियस सी बात है कि शोले, हम राम गोपाल वर्मा की आग को हम कॉपीराइट नहीं देंगे क्योंकि वो एक इन्फ्रिंज पार्ट था पिछली मूवी का. हाँ अगर आपने पिछली मूवी के डायरेक्टर से परमिशन लेकर अगली अपनी मूवी बनाई है, भले ही उसमें आपने कॉपी भी किया है, तो उससे कोई इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता. ओके नंबर टू, एनी साउंड रिकॉर्डिंग मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लिटरेरी ड्रामेटिक और म्यूजिक वर्क, अगेन द सेम थिंग. ओके तो चाहे अनु मलिक हो चाहे कोई भी हो, अनु मलिक भी ब्रिटनी स्पेयर्स और लाइक माइक लाइक जो ये हमारे सिंगर है, क्या नाम है उसका, एक सिंगर है मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अनु मलिक के साथ कोई ऐसा है ना एक हिंदी सिंगर जो भी बड़े कॉपी करता है दूसरों के गाने, पता नहीं सुख करके है उसका नाम, आज जस्ट मैं भूल गया, मुझे स्टूडेंट्स ने ही बताया था मेरे कि अनु मलिक है और पता नहीं एक और है करके, जो गाने बड़े चुराता है लोगों के. तो वो क्या करते हैं ये लोग, बल्कि लाइक हॉलीवुड के गाने जो होते हैं उसको, पॉप सॉन्ग जो होते हैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद अपना बनाते हैं, यहाँ पे रिलीज करते हैं. अब इंडियंस आखिर कितने हॉलीवुड सॉन्ग्स सुन लेते हैं, कुछ भी नहीं सुन पाते, तो उनको तो हिंदी गाने बड़े बढ़िया लगते हैं. तो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, क्या नाम है, एक अनु मलिक है और दूसरा एक और पर्सन है, लाइक वो दोनों मिलके गाने चुराते हैं मतलब हॉलीवुड के. तो अगर आपने कोई गाना चुराया है किसी और कॉपीराइट वर्क का, तो आपको उस अपने म्यूजिकल वर्क के ऊपर, ड्रामेटिक वर्क के ऊपर कोई भी कॉपीराइट नहीं मिलेगा. मतलब सिंपल सी बात है, चोरी की हुई चीज का कॉपीराइट नहीं होगा. ओके दोनों पॉइंट में यही कहा गया. नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टर्म ऑफ कॉपीराइट की. आखिर कॉपीराइट का कितना टर्म है और कॉपीराइट कितने सालों के लिए होगा, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये पार्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपके आ सकता है, पॉसिबिलिटी है. टर्म ऑफ कॉपीराइट, टर्म ऑफ कॉपीराइट जो हेडिंग है आपकी सेक्शन 22 से 29 तक जो भी लिखा हुआ है, जो हेडिंग है उस हेडिंग के बगल में लिखिएगा बड़ा बड़ा, हेडिंग के बगल में लिख लीजिएगा बड़ा बड़ा, लिखिएगा 60 ईयर्स, लिखिएगा लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 60 ईयर्स, 60 ईयर्स 60. Life of author plus 60 years. Okay, देखो बड़ा सिंपल है ये तो, इसमें कुछ खास पढ़ने वाला है नहीं, इसमें बस इतना बोला गया कि यू नो लाइक कॉपीराइट का साल टाइम कितना होगा. तो वो ये है कि जब तक ऑथर जिंदा है तब तक तो कॉपीराइट चलेगा ही चलेगा, और जब ऑथर की डेथ हो जाएगी तो उसके 60 साल तक और कॉपीराइट चलेगा, 60 साल के बाद कॉपीराइट खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोई भी यूज करे, ठीक है ना.
जैसे कि लाइक से जगजीत सिंह, जगजीत सिंह के गाने बहुत ही फेमस हैं, उनकी गजलें बहुत ही फेमस हैं, तो जगजीत सिंह जी ने जो भी गजलें अपनी गाई हैं, तो जगजीत सिंह जब तक जिंदा थे तब तक तो उनकी गजलें के हर गजल का कॉपीराइट था, मतलब उनकी गजल को कोई कॉपी नहीं कर सकता था। जैसे कि अगर मैं उनकी गजल को सुनकर एक कैसेट बनाना चाहूं अपनी आवाज में, तो ये अलाउड नहीं था, मुझ पर केस हो सकता था, मुझ पर मुकदमा हो सकता था, ओके, क्योंकि मैंने परमिशन नहीं ली हुई थी उनसे। लेकिन अब क्योंकि जगजीत सिंह जी की डेथ हो चुकी है, वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो उनके एक्सपायरी होने के बाद भी उनकी गजलों का 60 साल तक, 60 ईयर्स तक कॉपीराइट रहेगा, मैं अभी भी नहीं चुरा सकता। कब तक? 60 ईयर्स तक। और मेरे ख्याल से 60 साल बहुत होते हैं, ऑब्वियसली बात है 60 साल तक प्रोटेक्शन काफी होती है। जब उनकी गजलों को 60 साल हो जाएंगे, तो हर एक गजल को जब 60 साल वगैरह जो भी है हो जाएंगे, तो जिस गजल को या जिस कैसेट को या जिस उनकी एल्बम को 60 ईयर्स एक्सपायर हो गए हैं, फिर मैं चाहूं तो उनकी उस पर्टिकुलर सॉन्ग या गजल जो भी है उसको मैं अपनी आवाज में, कोई और सिंगर उसको अपनी आवाज में गा सकता हूं। समझ में आ रहा है? ओके, ऐसी ये इतनी पुरानी पुरानी मूवीज हैं जिसको 50-50 साल हो चुके हैं, 60-60 साल हो चुके हैं, लाइक मुगले आजम एंड सो एंड सो व्हाटएवर, मुझे तो ऑब्वियसली याद नहीं है कौन सी मूवी कितने साल में आई थी, लेकिन अगर कोई मूवी ऐसी है जिसको 60 साल हो चुके हैं, तो उस मूवी पे अब कॉपीराइट खत्म हो चुका है। अगर आप मुझसे ये कहेंगे सर 60 साल के बाद अगर उसको ऑथर रिन्यू करवा दे, तो मैं कहूंगा 60 साल के बाद रिन्यू वो खुद कैसे करवाएगा, वो तो उसकी डेथ हो चुकी है। जब तक ऑथर जिंदा है तब तक तो कॉपीराइट वैसे ही चल रहा है, और जब ऑथर की डेथ हुई है 80 साल के बाद, जैसे 80 साल की उम्र में ऑथर की डेथ हो गई, तो 80 साल के बाद 60 साल और चलेंगे। अगर आप बोलो सर वो तो नहीं करवा सकता रिन्यू, लेकिन उसे घर वालों ने रिन्यू करवा दिया, तो मैं कहूंगा नहीं, रिन्यू का ऑप्शन नहीं है, रिन्यू का ऑप्शन नहीं है, रिन्यू नहीं हो सकता। 60 साल बहुत है, और 60 साल के बाद कोई बंदा वो ऐसी सेम टू सेम मूवी बनाए कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी 60 साल तक लोग वो मूवी की स्टोरी भूल गए होंगे, तो बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे कि ये वो एक मूवी आई थी अभी, लाइक यश राज की एक मूवी आई थी, कौन सी वो बड़ी फेमस मूवी थी यार, जो उनकी डेथ होने के बाद आई थी, शाहरुख खान वॉज इन द मूवी, अरे बड़ी फेमस मूवी थी यार, नाम याद नहीं आ रहा उसका, आपको नाम याद है उसका? यश राज हैज बीन डाइड, दैट द मूवी वाज रिलीज्ड, एंड द लेटेस्ट मूवी ऑफ शाहरुख खान, आई एम सो बैड विद द बॉलीवुड यार, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, आई कैनॉट गिव यू दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, बट दैट वॉज, आई एम सो डम विद द बॉलीवुड, फाइन इट्स टोटली गुड, मे बी यू हैव रिमेंबर द मूवी, so yeah, like that movie which recently been released, not recently but like kuch time pehle wo release hua, to yash chopra ka wo death ho gayi, to yash chopra ki death hone ke baad wo jo movie hai wo market mein aayi, to death hone ke baad 60 saal tak wo movie ke upar copyright rahega, aur 60 saal ke baad koi aur chahe to us movie ka same to same copy banakar kisi aur hero wagera ko lekar ला सकता है मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। यश राज ना ही ऊपर से कुछ बोल सकते हैं और ना ही भूत बन के नीचे आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उनको भी लॉ पता था, डोंट वरी, ओके। तो ये था आपका टर्म ऑफ कॉपीराइट, अब इसको पढ़ते हैं फटाफट फटाफट। नंबर वन, द नॉर्मल टर्म ऑफ द कॉपीराइट थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स ऑन द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर, लाइक कैलेंडर ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द ईयर इन विच द ऑथर डाइस, उस कैलेंडर ईयर से स्टार्ट होता है जिस कैलेंडर ईयर में ऑथर की डेथ हुई है, ओके। तो अगर ऑथर की डेथ हुई है लेट्स से 2015 सितंबर में, तो 2015 सितंबर में अगर डेथ हुई है लेट्स से ऑथर की, तो सितंबर के से ही 60 साल शुरू हो जाएंगे, 1 जनवरी 2016 से 60 साल शुरू होंगे, ओके। अगर ऑथर की डेथ मार्च या फरवरी 2015 में भी होती, तो भी वो पूरा साल जब खत्म हो जाता कैलेंडर ईयर, तो उसके बाद भी 1 जनवरी 2016 से 60 साल शुरू होते, ओके। इन केस ऑफ ज्वाइंट ऑथरशिप द ऑथर हु डाइज लास्ट विल बी कंसिडर्ड, अगर कोई ज्वाइंट ऑथर्स हैं, तो ज्वाइंट ऑथर में जो ऑथर की लास्ट में डेथ हुई है उसकी डेथ के बाद से ही 60 साल शुरू होंगे। ज्वाइंट ऑथर्स कैसे होते हैं? जैसे ज्वाइंट म्यूजिक एल्बम्स होती हैं, आपने नाम सुना होगा ना, शंकर एहसान लॉय, शंकर एहसान लॉय मतलब एक ग्रुप है, एक बैंड है, ओके। जैसे कि यूफोरिया, यूफोरिया एक बैंड है, यूफोरिया पता है ना आपको, जिसमें वो गाना गाया है मायरी मायरी करके, यार छोड़ो यार आपको क्या मैं बताऊं, आप लोग कुछ पता ही नहीं होता, मारो गोली। तो
शंकर एहसान लॉ तो पता ही होगा, शंकर महादेवन और एहसान लाइक दो तीन तीन लोग हैं और तीन लोग ने मिलकर बना रखी है अपना एक बैंड बना रखा है, जो भी म्यूजिक आती है वो तीनों मिलकर म्यूजिक देते हैं। जतिन ललित ओके, जतिन ललित ने बहुत सारी मूवीज में अपने म्यूजिक वगैरह दिया हुआ है। तो मान लीजिए अब ये तीन ऑथर्स हैं और तीनों में से मान लीजिए अगर दो की डेथ हो गई है, तब तक कॉपीराइट चलता रहेगा। दो की डेथ हो गई, कॉपीराइट चलता रहेगा। तो पहले की डेथ कोई फर्क नहीं पड़ता रहेगा, दूसरे की डेथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तीसरे की डेथ हो जाएगी तो तीसरे की डेथ होने के बाद 60 साल शुरू होंगे, ठीक है ना। तो जो ऑथर लास्ट में गया है किसी भी ग्रुप ज्वाइंट ऑथरशिप में, जो लास्ट में उसकी डेथ हुई है, तो उसके 60 ईयर्स वहां से स्टार्ट होंगे। ओके, हु एवर गोज लास्ट, जो भी इसका भी लास्ट में टिकट कटा है। खैर इसमें कुछ है नहीं, मैं ऐसे ही बता देता हूं हल्का सा। ओके, लाइक से इफ आई राइट डाउन क्लियरली मोर, या इन जनरल जनरली आमतौर पे कितना होता है लाइफ ऑफ ऑथर? प्लस हाउ मच? 60 इयर्स। ओके, व्हाट द नेक्स्ट? अगर ज्वाइंट ऑथरशिप है तो हु डाइज लास्ट, जो लास्ट में मरा है, ठीक है। चलो वीडियो की लाइन क्या नेक्स्ट पैराग्राफ। हाँ, इन केस ऑफ एनोनिमस एंड सिडोनिमस, कुछ ऑथर्स ऐसे भी होते हैं जो अपना नाम नहीं बताते, असली नाम नहीं बताते। एनोनिमस यानी कि कोई नाम नहीं है उनका। बुक्स आ रही है मार्केट में, नॉवेल्स आ रही है मार्केट में, म्यूजिक आ रहा है मार्केट में, या कुछ भी आ रहा है वट एवर, लेकिन वहां पर ऑथर का नाम ही नहीं है। लो जी, आपको इतनी बढ़िया नॉवल लगती है, इतनी बढ़िया कहानी लगती है, इतनी बढ़िया पोइट्री लगती है, और आप कहते हो मैं अगली बार जरूर पढ़ूंगा, ऑथर का नाम ढूंढते हो पहले पन्ने पे कवर पेज पे, कहीं ऑथर का नाम ही नहीं होता। ऑथर का बस कोई ना कोई एक मतलब एक सिर्फ बुक का नाम होता है, बुक का नाम क्या है, ऑथर का नाम नहीं होता। क्यों? वो अपने नाम से नॉवल बनाता ही नहीं है, या वो किसी नाम से नॉवल नहीं बनाता। एनोनिमस, ही इज गुमनाम। ओके, अब जब ऑथर गुमनाम है तो क्या करें? कुछ और भी ऐसे लोग होते हैं जो अपने असली नाम से चीजें नहीं बनाते, वो अज्यूम नाम से बनाते हैं, यानी कि कुछ और नाम रखते हैं, एक्स वाई जेड वट एवर। इफ यू हैव सीन द मूवी लाइक साजन, आपको मूवीज का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग मूवीज देखते हैं, जी सिनेमा पे ऐसी गंदी गंदी मूवीज आती हैं जब बड़े पुराने जमाने की होती है, जिसमें सलमान खान बड़े पतला पतला सा होता है। तो जी सिनेमा बदनाम है ऐसी मूवी दिखाने के लिए। खैर, तो सर साजन मूवी में भी ऐसे हुआ था कि वो कोई अज्यूम नाम से, अपने असली नाम नहीं बल्कि अज्यूम नाम से पोएट्री लिखा करता था बंदा, वो क्या नाम था, संजय दत्त। ओके, सो ऐसे ऑथर्स होते हैं जो अपने असली नाम से चीजें नहीं बनाते, अपना कोई अज्यूम नाम रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हूं, मैं अपनी बात ही कर लेता हूं, दूर क्यों जा रहा हूं, अपनी बात कर लेता हूं, मैं पेंटिंग्स बनाता हूं यार, आई एम अ पेंटर ऑल्सो, यू नो वेरी वेल। जो स्टूडेंट्स हैं मेरे पास फेसबुक पे, वो देखा, उन्होंने देखा होगा मेरी फेसबुक पेंटिंग्स लगी हुई है बहुत प्यारी प्यारी। मैं अपनी पेंटिंग के नीचे कभी भी देव शर्मा लिखता ही नहीं हूं, आई ऑलवेज राइट दिस देव एंड जस्ट दीज टू थ्री डॉट्स, दैट्स ऑल, एंड आई जस्ट टेक इट एज नॉट, इज नॉट अ अज्यूम नेम, बट आई जस्ट टेक इट एज अज्यूम नेम, ऑब्वियसली आई जस्ट टेक इट एज अज्यूम नेम। ओके, ऐसा लोग क्यों करते हैं, अपना असली नाम क्यों नहीं लिखते, या फिर अपना नाम ही क्यों नहीं लिखते, ऐसा क्यों होता है? इसका भी रीजन सुन लीजिए। कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो मतलब ना एकदम गुमनाम रहना चाहते हैं, वो मार्केट में सोसाइटी को पसंद नहीं करते, वो नहीं चाहते कि जहां वो जाएं उनका चेहरा देख के लोग उनके भीड़ के उनके पास आए, उनके उनके ऑटोग्राफ ले, उनकी फोटोग्राफ वगैरह खींचे, या जो भी है उनको पसंद नहीं है सब भीड़ भाड़। आप कहते सर ऐसे भी लोग होते हैं? हाँ, ऐसे लोग होते हैं, उनको भीड़ भाड़ पसंद नहीं होती, उन्होंने समंदर देख लिया, नॉवल लिख डाली, फेमस भी हो गए, लेकिन लोग उनके बगल में बैठे रहे, फोटोग्राफी करते रहे, उनके पैसे चोर चुराते रहे, उनको ये सब पसंद नहीं है।
वो चाहते हैं कि गुमनाम है गुमनामी रहे और ऐसी शांति में ही वो बढ़िया और नॉवल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वो कभी भी अपनी असली स्टोरी पे, अपनी नॉवल पे, अपनी पोएट्री पे, अपने ड्रामा पे, अपने म्यूजिक पे, अपनी मूवीज पे अपना असली नाम बताते ही नहीं है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपना अज्यूम नाम बताते हैं ताकि मेरा कोई ना कोई मार्क रहे, जिससे मुझे आइडिया हो कि मेरी कितनी पब्लिसिटी हो रही है, लेकिन फिर भी जो फैंस हैं, जो फैन फॉलोइंग है, वो मेरे से अट्रैक्ट ना हो। आपको पता है रतन टाटा और कौन, अनिल अंबानी की वाइफ, शायद क्या नाम है उसका, मैं भूल गया, टीना अंबानी। रतन टाटा इज अ वेरी गुड पेंटर, नहीं सीरियसली इज अ वेरी गुड पेंटर। मतलब आई डोंट नो उस बंदे को टाइम कैसे मिलता होगा, लेकिन बट रतन टाटा समटाइम व्हेन इन अ लेजर ही ड्रॉ पेंटिंग्स, कभी टाइम मिलता है तो पेंटिंग्स बनाते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, किसी बहुत बड़े मॉल में, महंगे मॉल में, बहुत महंगी दुकान पे कोई पेंटिंग रखी हुई है, उस पर नीचे लिखा हुआ रतन टाटा, आप वो पेंटिंग खरीदोगे नहीं खरीदोगे? आप खरीदोगे, अपने घर में लगाओगे मेन दीवार पे, मेन फ्रेम में। और जब दोस्त आएंगे तो उसको क्या बोलोगे? अरे छोड़ यार, खाना पीना क्या कहेगा, हटा, तेरे को पेंटिंग दिखाता हूं रतन टाटा की। दोस्त कहेगा ये क्या बेकार सी पेंटिंग है, अरे तू पागल हो गया है, तू तो पागल है, तुझे पता है किसने बनाई है? रतन टाटा ने। अच्छा रतन टाटा ने बनाई है, यार फिर तो बढ़िया है, कुछ होगा इसमें जो हमें समझ में नहीं आ रहा, कुछ होगा इसमें जो हमें समझ में नहीं आ रहा, भाई हमारा उतना लेवल नहीं है ना, क्या करें। लेकिन हाँ अब तो बढ़िया। अब देखिए रतन टाटा की पेंटिंग की तारीफ क्यों हुई, क्योंकि पेंटिंग बढ़िया है या उसका नाम बहुत बड़ा है? उसका नाम बहुत बड़ा है, यानी कि पेंटिंग की किसी वैल्यू नहीं रखी किसी ने, उसकी गुडविल की वैल्यू रखी किसी ने। और ये लोग वो नहीं चाहते कि इनके नाम पर उनकी चीजों की तारीफ हो। टीना अंबानी ने अगर कोई नॉवल लिख दी ना तो सर तारीफ होनी होनी है, क्यों? टीना अंबानी है, नॉवल के कवर पेज के ऊपर टीना अंबानी की फोटो लगी हुई है। तो व्हाट शी वांट, वो चाहती है कि मैं टीना अंबानी नाम से पेंटिंग डालू ही ना, मैं टीना अंबानी नाम से पोएट्री ना लिखूं, मैं पेंटिंग ना बनाऊं, मैं किसी नाम से करूं ही ना, मैं कोई सिंबल बना दूं, सिंबल कोई स्टार या टी ए या फिर टी एस या कोई भी ऐसी चीज करके, जिससे मुझे ये भी आइडिया होता रहे कि मेरा फीडबैक क्या आ रहा है मार्केट में, और लोगों को यह भी आइडिया ना हो कि ये एक्चुअली में मैं हूं। ओके सो दो चीजें होती है, एक होते हैं एनोनिमस बिना नाम की चीजें लिखने वाले, और एक होते हैं सिडोनिमस दैट इज अज्यूम नेम। तो दोनों ही केसेस में ऑथर्स के असली नाम डिस्क्लोज नहीं होते हैं, तो वहां पर कॉपीराइट का टर्म कितना होता है वो देख लीजिए। द टर्म ऑफ कॉपीराइट इज 60 ईयर्स फ्रॉम द कैलेंडर ईयर इन विच द वर्क इज पब्लिश्ड, वहां से 60 साल होते हैं एनोनिमस प्लस सिडोनिमस वाले केस में 60 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिश। तो जिस दिन से वो नॉवल मैडम की पब्लिश हो गई है, जिस दिन से पेंटिंग रतन टाटा साहब की पब्लिश हो गई है, उस दिन से उनके 60 साल शुरू हो जाएंगे, और 60 साल तक उनकी कोई पेंटिंग नहीं बना सकता और बेच नहीं सकता मार्केट में सेम टू सेम कॉपी करके, अगर कॉपीराइट करवा लिया है तो, और उसके पहले उसके बाद करना चाहे तो वो कर सकते हैं। ओके द लास्ट पार्ट फॉर दिस, इन द केस ऑफ पॉस्ट्यूमस वर्क का मतलब आपको भी बता रहा था मैं कुछ देर पहले ही, वो यश चोपड़ा वाली मूवी मुझे अभी भी याद नहीं आई। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जहां पर ऑथर की डेथ हो जाती है, यानी कि डेथ होने के बाद वो चीजें मार्केट में आती हैं। इन केस ऑफ पॉस्ट्यूमस द कॉपीराइट शैल सबसे 60 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर इन द वर्क वॉज फर्स्ट पब्लिश। तो अगर ऑथर की डेथ ऑलरेडी हो चुकी है, आई रिपीट, अगर ऑथर की डेथ ऑलरेडी हो चुकी है और डेथ होने के बाद अगर वो वर्क पब्लिश होता है तो जिस दिन से पब्लिश हुआ है उस दिन से 60 साल। इस पॉइंट को आप पॉइंट नंबर 1 से लिंक मत कीजिए गलती से, पॉइंट नंबर 1 में तो इतना बोला गया ऑथर जिंदा है तो जब तक जिंदा है तब तक कॉपीराइट चल रहा है, जैसे ही डेथ हुई है डेथ के बाद 60 साल। ओके लेकिन यहां पर बेचारे ऑथर का काम ही तब पब्लिश हुआ जब उसकी डेथ हो चुकी है, मैं काम ही पब्लिश था वो बेचारे का जब ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। आप बोलेंगे सर डेथ हो चुकी है तो काम पब्लिश कैसे हो गया? एक्चुअली उसे घरवाले ने पब्लिश करवा दिया या काम शायद दे रखा था ऑलरेडी और बाद में पब्लिश हुआ है। मूवी देखिए वीर जरा बता दो, अब आपको सर आ तो पिछले मूड में हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब,
ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉलीवुड पिक्चरों का कोई मूड हो सकता है क्या? ऐसी ऐसी मूवीज आती हैं हम लोग इंडिया में, आई मीन हमारे इंडिया में, सॉरी, अजीब अजीब नाम होते हैं। पोस्टर अभी देख रहा था 6-7 महीने पहले, पटा पोस्टर निकला, हीरो पता नहीं क्या मूवी थी अभी, रामलीला पता नहीं, गोलियों की रासलीला कोई मूवी है ये है? अभी एक और कोई मूवी थी, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, कल रात को टीवी पे आ रही थी, लाइक कोई मूवी होती है, बेकार, सब बेकार। खैर, आधी से ज्यादा मूवीज तो कॉपी की होती है हॉलीवुड की, और मूवी हम देख लेते हैं और 6 महीने बाद जब वही मूवी HBO पे आ रही होती है, हम कहते हैं ओहो ये तो ऑलरेडी मूवी है हॉलीवुड में। बैंग बैंग देख लो, महा पूरी कॉपी है, पूरी महा कॉपी है वो नाइट एंड डे की, नाइट एंड डे। खैर छोड़, वीर जरा में एक सॉन्ग है वो, मैं यहां हूं यहां हूं यहां हूं और यहीं पे हूं और कहीं नहीं जाऊंगा मैं सुना है गाना आपने, मैं यहां हूं और यहीं पे हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और यहीं रहूंगा। तो वो सॉन्ग की कहानी है कि जिस ऑथर ने, मतलब जिस राइटर ने वो गाना लिखा था ना, वो तब ने लिखा जब मूवी बन रही थी, वो गाना शायद 10 साल पहले लिखा गया था, 10 साल पहले लिखा गया था, 10 या 15 साल ऐसी कुछ बात है, पहले लिखा गया था। और जब वो सॉन्ग लिखने के बाद वो किसी डायरेक्टर के पास गया और डायरेक्टर ने बोला क्या गाना लिखा है, सब बकवास, ले जाओ इसे, मैं पकड़ के मारूंगा। उस बंदे को बड़ा बुरा लगा यार, बंदे ने गाने को फिर भी संभाल के रखा और अपने फाइल में लगा के रख दिया, छोड़ दिया। कुछ सालों के बाद उस बंदे की डेथ हो गई और जो उसकी पीढ़ी थी, यानी कि जो उसके बाल बच्चे थे, उन्होंने वो गाना उठाकर दिया वीर जरा मूवी में। और वो मूवी में जो गाना जब आया तो आपको पता ही है वो कितना बढ़िया हिट हुआ था। सोचिए, वो वर्क पब्लिश तब हुआ जब ऑथर की डेथ हो चुकी थी। तो अब आप मुझे इतना बताएं कि वो गाने की उम्र क्या है और कितने सालों के बाद मैं उसे कॉपी कर सकता हूं, तब से जब से वो गाना पब्लिश हुआ, यानी कि जब वीर जरा मूवी रिलीज हुई, या तब से जब से ऑथर की डेथ हुई है? तब से आंसर है, तब से जब से वो गाना पब्लिश हुआ है, ठीक है, क्योंकि ऑथर की डेथ तो हो सकता है ना, ऑथर की डेथ तो 40 साल पहले ही हो गई हो, तो 40 साल पहले अगर डेथ हो गई है तो उसे तो 20 साल ही मिलेंगे ना, और ओके तो इसलिए जब से गाना पब्लिश हुआ है। तो अगर पॉस्ट्यूमस वर्क है, पॉस्ट्यूमस वर्क का मतलब है कि अगर कोई चीज ऐसी है जो पब्लिश तब होती है जब ऑथर की डेथ हो चुकी है, तो उस केस में 60 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन, आंसर इज सेम। ओके, यू मस्ट कॉपी दिस, प्लीज कॉपी कर लीजिए इसको फटाफट, कॉपी कर लो फटाफट, कर लो ना। हाँ जी, हो गया जी कॉपी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितना तुसी इसनू कॉपी करके कि असी की बताएं, पंजाबी आती है आप लोगों? नहीं आती पंजाबी, नहीं आती तो कहा आता है, बिहारी आती है, बिहार सीखेगा। हाँ जी, यूपी, यूपी की भाषा, मराठी भाषा, उड़िया भाषा, इंडिया में बड़ी लैंग्वेजेस है ना, many languages, many languages.
it is very difficult to communicate sometime, so we find English is the best language to have. Here, आगे बढ़ते हैं. The next part would be the registration part, and then obviously the registration of copyright. रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट में बड़ा सिंपल है, लेकिन जैसे ही मैं रजिस्ट्रेशन के पार्ट को पढ़ता हूं मुझे फर्स्ट लाइन में ही परेशानी हो जाती है. मैं रजिस्ट्रेशन वाली हेडिंग की फर्स्ट लाइन को पढ़ के परेशान क्यों हो गया, आई डोंट नो. ब्रदर देखिए पहली लाइन पढ़िए, फर्स्ट लाइन देख के मैं परेशान हो गया सर, मैं बहुत परेशान हो गया. देखते हैं आप परेशान होते कि नहीं होते. आपको परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप परेशान हो गए इसका मतलब यह है कि आपको समझ में आ गया. अगर आप परेशान नहीं हुए ना तो मतलब आपको समझ में नहीं आया. अब ये नहीं पढ़ने के बाद बोलो हाँ सर हम बड़े परेशान हैं, हम सर बड़े परेशान हैं, पसीना आ रहा है. ऐसे नहीं करना, बड़े बड़े एक बार रीड करो सर. ओनली फर्स्ट लाइन, जस्ट फर्स्ट लाइन. हाँ जी हुए जी परेशान है. अरे टेंशन नहीं, देखो सुनो, देखो इसमें लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट इन केस ऑफ एनी वर्क इज नॉट ऑब्लिगेटरी. इसका मतलब कहा गया है कॉपीराइट की रजिस्ट्री कंपल्सरी नहीं है, कॉपीराइट की रजिस्ट्री कंपल्सरी नहीं है. चलो जी, लेकिन आगे जो लाइन है उसको पढ़ के मैं और परेशान हो गया. क्या अब सुनिए, आगे बोला गया है द प्रोविजन इज ऑप्शनल एंड नॉन रजिस्ट्रेशन डज नॉट डिप्राइव द ओनर ऑफ हिज टू ब्रिंग बोथ सिविल एंड क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट एन ऑफेंस ऑफ द इंफ्रिंजमेंट. बोले तो सर बोले तो इसका मतलब यह हुआ कि कॉपीराइट की रजिस्ट्री कंपल्सरी नहीं है इस एक्ट में, लेकिन अगर आपने रजिस्ट्री नहीं भी करवाई तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपका कॉपीराइट जो आपका म्यूजिक आर्ट ड्रामा जो भी आपका आपने किया था ना वो फिर भी प्रोटेक्टेड है, फिर भी सेफ है, कोई कॉपी नहीं कर सकता फिर भी. अब भाई साहब जब बिना रजिस्ट्री के मेरे गाने को कोई कॉपी नहीं कर सकता तो मैं रजिस्ट्री करवाऊंगा ही नहीं, करवाऊंगा ही नहीं. जैसे पार्टनरशिप में नहीं था, पार्टनरशिप की रजिस्ट्री ऑप्शनल होती थी, तो यहां पर भी बोला गया कॉपीराइट की रजिस्ट्री ऑप्शनल है यार. और अगर कॉपीराइट की रजिस्ट्री ऑप्शनल है उसके बाद भी उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता, कॉपी कर दी तो फिर भी फाइन है. आप बोलोगे सर कॉपी रजिस्ट्री करवा के भी कॉपी नहीं कर सकता, बिना रजिस्ट्री करवाए भी कॉपी नहीं कर सकता, तो हम क्यों रजिस्ट्री पे पैसे बर्बाद करें. रजिस्ट्री करवाने में 15,000 लग जाते हैं, ज्यादा लग जाते हैं कभी कभी, तो डिपेंड करता है आर्टिकल कितने हैं, ठीक है ना. अब इसका आंसर सुनिए. देखो रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट नॉट कंपल्सरी क्या, इसको हम लिखते हैं ऑप्शनल. ओके इज ऑप्शनल, कॉपीराइट की रजिस्ट्री ऑप्शनल है, ठीक है ना. और कॉपीराइट की अगर आपने रजिस्ट्री नहीं भी करवाई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका म्यूजिक आर्ट ड्रामा सिनेमेटोग्राफी जो भी आर्किटेक्चर वर्क है वट एवर यू हैव is totally safe and you still can file a suit on the offender party. आप फिर भी मुकदमा कर सकते हैं. Now question is if we can file a suit on the bad person, on the bad parties without registration, so why to have registration यार. The problem is अगर आप registry नहीं करवाओगे ना तो आपको बस prove करना पड़ेगा ये चीज आपकी है, prove करना पड़ेगा. लेकिन अगर आपने रजिस्ट्री करवा दी आपको प्रूफ भी नहीं करना पड़ेगा, आप सिंपल केस करवा सकते हो. एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपने मुझे किसी दिन घर बुलाया, मतलब आपने मुझे कहा सर आप तो मस्त पढ़ाते हो, मान लेते हैं मैं बढ़िया पढ़ाता हूं, तो कभी घर पे आइए चाय वाय के लिए. मैंने कहा मैं चाय तो पीता नहीं, मैं लस्सी पीता हूं यार या कॉफी पीता हूं, उसके ऊपर आपकी श्रद्धा है. तो आपने कहा सर बढ़िया लस्सी पिलाएंगे आपको, आप घर पे आओ, यू आर इनवाइटेड. ठीक है मैं घर पे आया आपके, नॉक नॉक दरवाजा खोलो. आप लोग कौन, मतलब मैं सर. ठीक है दरवाजा खोला, मैं लस्सी कहा है. आप लोग सर बैठो तो सही, दरवाजे पे लस्सी थोड़ी ना पियोगे. हाँ सही बात है, बैठे जी, ग्लास लिया हाथ में लस्सी का. बगल में छोटी सी किताब पड़ी थी उसमें कुछ पन्ने थे और वो पन्नों को मैंने निकाला और पढ़ा. मैंने कहा यार ये किसने लिखा है,
बहुत ही बढ़िया है। आपने कहा सर ये गाना लिखा है मैंने, ये बहुत ही बढ़िया गाना लिखा है मैंने। मैं बोला वाह बहुत ही बढ़िया गाना है यार, तुमने क्या सोच के लिखा? आपने बोला सर बस मेरी एक हॉबी है, मैं कहानी लिखता हूं, मैं कहानी लिखता हूं, मुझे बड़ा पसंद है ये सब लिखना। मतलब बहुत बढ़िया गाना है, बहुत बढ़िया गाना है, इतना बढ़िया गाना है कि ये तो तुम 5 लाख 10 लाख में करण जोहर को बेच सकते हो। आपने कहा सर इतना मुझे ऊपर नहीं जाना, मुझे इतने पैसे वैसे नहीं कमाने, मैं छोटा हूं, छोटा ही सही। मैंने कहा अरे नहीं, आप तुम ये 4-5 लाख में आराम से करण जौहर को गाना बेच सकते हो, वो उसको मूवी में डालेगा यार। आपने कहा नहीं नहीं सर मुझे कुछ नहीं करना। मैं चलो ठीक है। मैंने कहा एक काम और करो, इस गाने को तुम कॉपीराइट करवा लो, वरना ऐसा ना हो कोई घर पे आए या पेपर वेपर खो जाए तो उठा के गाना तुम्हारा कॉपी कर ले। आपने बोला सर नहीं सर अकेला रहता हूं और कौन कॉपी करेगा, कोई आता जाता नहीं है, मेरा ये हॉस्टल है या मेरा पीजी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने लस्सी पी और मैं निकल गया वहां से। 6 महीने बाद करण जोहर की मूवी आई और उस मूवी में आपका वो वाला गाना था, अब आपको टेंशन, और आप वही वाला गाना सुन रहे हो डाउनलोड करके, अपने गाना डाउनलोड करके सुन रहे हो, गाया हुआ है किसी एआर रहमान ने, किसी ने भी। आप सोचते हो किसने हरकत की है, किसने मेरा गाना लीक किया, किसने मेरा गाना लीक किया। शक जाता है एक इंसान पे, देव शर्मा। लस्सी पीने आया था, गड़बड़ करके गया है बेटे। अब करण जौहर ये गाना ले चुका है आपका, ठीक है ना। नाउ क्या आपने इस कॉपीराइट, सॉरी इस सॉन्ग की कॉपीराइट की रजिस्ट्री ली थी या नहीं ली थी? नहीं ली थी। क्यों? क्योंकि आपने सोचा कि कॉपीराइट लेना, कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल है और बिना रजिस्ट्री के भी आप एक्शन ले सकते हो करण जौहर के ऊपर या किसी भी बंदे के ऊपर जिसने भी कॉपी किया है गाना। ठीक बात है। मैं कहता हूं आप लो एक्शन, बिल्कुल लो एक्शन आप करण जौहर के ऊपर कि उसने मेरा गाना कॉपी किया है, बल्कि देव शर्मा भी बीच में इन्वॉल्व है। लेकिन क्या आप प्रूव कर पाओगे? क्या प्रूव कर पाओगे? कैसे प्रूव करोगे आप मुझे बताओ, कैसे प्रूव करोगे? करण जौहर बल्कि उल्टा के ऊपर केस कर देगा बदनामी का कि आप उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। और यह भी हो सकता है कि जैसे ही उसने, करण जौहर ने मूवी रिलीज की, लगे हाथ ये गाना अलग से कॉपीराइट करवा दिया, उल्टा अब वो आपको बोलेगा कि मेरा गाना जो है वो तुम्हारी किताब के पन्नों के अंदर क्या कर रहा है, यानी कि तुम उसको बेचने वाले थे क्या? अब सोचो उल्टा चोर वो कोतवाल को डांटने वाली बात हो गई, कहावत हो गई। यानी कि अगर आपने कॉपीराइट की रजिस्ट्री नहीं करवाई है ना, मुकदमा तो कर सकते हो ऑफेंडर्स के ऊपर, अपराधियों के ऊपर, लेकिन आप प्रूव करना पड़ेगा कि ये चीज वाकई में आई थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपने वो किताब के पन्ने निकालकर रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट के पास चले जाते और वहां पे जाके आप कॉपीराइट की रजिस्ट्री अगर करवा लेते ना, तो फिर किसी में दम नहीं था कि आपका सॉन्ग चुरा ले, और चुरा भी लेता ना तो प्रूव करने की जरूरत नहीं थी। आप सिंपल डायरेक्टली समन भेजते, लीगल नोटिस भेजते करण जौहर को और बोलते भाई साहब ये गाना मेरा है। करण जौहर बोलता है ओए तू कौन है? अब बोलता है ओए ऐसा है, पहले तो ओए ना बोला, पहले तो ओए ना बोला, ये गाना मेरा है और तू है ओए, ये गाना मेरा है। वो कहता है प्रूव करिए गाना तेरा है भाई। आप बोलोगे बिल्कुल प्रूव कर सकता हूं, वेबसाइट पे जाओ रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट की, और वेबसाइट पे जाने के बाद कॉपीराइट का ये वाला नंबर डालना, ये मेरा गाना अपने आप निकल के आ जाएगा और नीचे मेरा नाम लिखा है। करण जौहर बोलता है ओ यार सॉरी शक्तिमान। वो बोलेगा सॉरी शक्तिमान गड़बड़ हो गई। बोला आप गड़बड़ नहीं है, पेनल्टी दे 10 लाख रुपए। मैं और देव शर्मा वो भी उसको भी लेके आ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सर रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट ऑप्शनल है, बट सॉरी बट कह सकता हूं रजिस्ट्रेशन इज रिकमेंडेड। ओके, बिकॉज अदरवाइज यू हैव टू प्रूव यार, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये चीज वाकई में आपकी है। अगर रजिस्ट्री करवा लोगे कुछ पैसे देकर तो कुछ ज्यादा नहीं है लाइफ में, आपको 60 साल तक प्रोटेक्शन रहेगी, बल्कि मैं कहता हूं आपकी लाइफ तक पूरी प्रोटेक्शन रहेगी और लाइफ के बाद भी आपके 60 साल तक प्रोटेक्शन रहेगी, तो इतने पैसों में क्या फायदा? ओके, और मैं कहता हूं अगर आपको प्रोटेक्शन नहीं चाहिए थी तो फिर आपको कॉपीराइट का रजिस्ट्री आपने नहीं भी करवाया तो फिर मुकदमा भी क्यों करवाना? आपको जब टेंशन ही नहीं थी तो आप किसी ने चुरा भी लिया तो क्या दिक्कत है, चुराने दो ना फिर उसे। तो मिर्जी आपको क्यों लग रही है? ऑब्वियसली बात है, जब आपको परेशानी हो रही है इसका मतलब वाकई में आपको अपनी उस मेहनत से प्यार था, उस क्रिएटिविटी, उस ओरिजिनलिटी से आपको लगाव था, और जब लगाव था तो आपने कुछ पैसे पे करके सरकार को वो उसके ऊपर प्रोटेक्शन क्यों नहीं लिया? प्रोटेक्शन अगर ले लिया होता देन यू नीड नॉट टू प्रूव एंड
लाइक वरी अबाउट द थिंग्स, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती ना, ठीक है। चलो तो रजिस्ट्रेशन के ऊपर सिर्फ इतनी सी बात थी, वो आपको मैंने बता दी। या नीचे जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ तो आपको क्लियर हो गया। एंड सेकंड पैराग्राफ वी हैव द ऑथर और पब्लिशर और द ओनर ऑफ द अदर ऑफ और द अदर पर्सन इंटरेस्टेड इन द कॉपीराइट इफ एनी मे मेक एन एप्लीकेशन। तो ये प्रोसीजर बता रहे हैं कि इस तरह से एप्लीकेशन भेजनी है, चाहे ऑथर, चाहे पब्लिशर, चाहे जो भी ओनर है या कोई और पर्सन अगर है कॉपीराइट का, वो चाहे तो एक एप्लीकेशन भेज सकता है किसी भी प्रेस्क्राइब फॉर्म में जो आरओसी की वेबसाइट पे होगा, रजिस्टर कॉपीराइट की वेबसाइट पे होगा। एवरी सच एप्लीकेशन शुड बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वन वर्क ओनली। हर एक काम के लिए अलग से एप्लीकेशन जाएगी। ओके, अब ये नहीं कर सकते कि एक ही एप्लीकेशन के अंदर आपने अटैच कर दिया अपना सॉन्ग भी, अपने म्यूजिक भी, अपना डांस भी, अपना ड्रामा भी, ऐसा नहीं हो सकता। एक काम के लिए एक एप्लीकेशन अलग से होगी ताकि हर एक काम की अलग से फीस लग सके। द पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन शैल साइमल्टेनियसली सेंड अ कॉपी ऑफ एवरी अदर पर्सन इंटरेस्टेड इन द कॉपीराइट। तो कॉपीराइट रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन भेजने के साथ साथ हर उस बंदे को एप्लीकेशन भेजनी है जो बंदा उस कॉपीराइट में इंटरेस्टेड है, यानी कि जो ज्वाइंट ओनर होगा। शंकर ऐसा लॉयर का मैंने एग्जाम्पल लिया था। आगे बोला गया, अगर कोई ऑब्जेक्शन अराइज अगर नहीं होता है इन अ केस, अगर आपने उसको पब्लिश करवाया और इंटरेस्टेड पार्टी को भी भेज दिया, और अगर कोई ऑब्जेक्शन का रेज नहीं होता है 30 दिन के अंदर अंदर, तो शायद आपको कॉपीराइट मिल जाएगा। और अगर कॉपीराइट बोर्ड को सेटिस्फाई, अगर कॉपीराइट रजिस्ट्रार को सेटिस्फाई अगर होता है कि भाई आपको कॉपीराइट मिल जाना चाहिए, एंटर सच पर्टिकुलर्स इन द रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट, तो आपके जो डिटेल्स हैं वो कॉपीराइट के रजिस्टर में एंटर कर देगा। वो रजिस्टर पहले फिजिकल फॉर्म में मेंटेन होता था, और आजकल वो वेबसाइट है, उस वेबसाइट में ही सब कुछ एंटर हो जाता है। इफ द रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट रिसीव एनी ऑब्जेक्शन, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्शन रेज होता है, ऑब्जेक्शन रेज कैसे हो सकता है? ऑब्जेक्शन रेज ऐसे होता है कि कोई बंदा बीच में आके कूद पड़ता है कि नहीं जी इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन मत देना, ये तो मेरी चीज है, ये तो मेरी चीज है। तो वहां पर फिर इंक्वायरी वगैरह बैठती है, और इंक्वायरी के बाद कब तक फिर रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा या नहीं भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है कितनी लंबी इंक्वायरी खींचती है। ठीक है, कोई बंदा बीच में कूद पड़ा, ये तो गाना मेरा है जी, इसको रजिस्ट्रेशन मत दो आप। ओके, द कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंटर मेड इन द रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट शैल बी सेंड टू द पार्टीज कंसर्न। हर एक पार्टी को एप्लीकेशन कॉपी भेज देंगे। क्लियर है? सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल सिंपल। रजिस्ट्रेशन के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पक्का पक्का, बिल्कुल पक्का पक्का, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट पैराग्राफ जो था वो रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन कंपल्सरी वाले पार्टी को बता रहा था, और जो सेकंड पैराग्राफ के ऊपर जो नीचे वाले पैराग्राफ थे वो बता रहे थे प्रोसीजर किस तरह से एप्लीकेशन वगैरह फाइल की जाएंगी, और वो प्रोसीजर आपको स्टार्टिंग में बताया भी था मैंने किस तरह से होता है वो सारा काम। ओके, अब एक काम कीजिए, छोटी सी हेडिंग लिखिएगा, राइट ऑन, अगली हेडिंग में नहीं पढ़ने की जरूरत, इस हेडिंग को लिखिएगा, असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट लाइसेंसिंग ऑफ कॉपीराइट आर सेम। इन असाइनमेंट वी हैव टू पार्टीज, असाइनर, असाइनी। Licensing, we have two parties, licensor, licensee. इसको प्लीज कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। कॉपी कर लो आराम से, ओके, फटाफट, मतलब इतना भी आराम से नहीं, फटाफट।
तो तुसी कॉपी कर लेता, बढ़िया। असाइनमेंट ऑफ देखो, ये जो पार्ट है हमारा ना, जो नेक्स्ट हेडिंग है एक्चुअली वो, और उसके अगला जो पार्ट है लाइसेंसिंग ऑफ कॉपीराइट। एक काम करो, अपनी बुक के पन्ने जरा पलटो। देखो ये हेडिंग जो है इसका नाम क्या है, असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और देखो उसके आगे आपको एक और हेडिंग मिलेगी, लाइसेंसिंग ऑफ कॉपीराइट, ठीक है ना। ये हेडिंग और ऊपर वाली हेडिंग एकदम सेम टू सेम है, मैं प्रूव कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, दोनों हेडिंग सेम टू सेम है। आप कहोगे सर दोनों हेडिंग सेम टू सेम है तो आपने एक हेडिंग से काम क्यों नहीं चलाया, क्योंकि एग्जाम में अगर लाइसेंसिंग दे रहे थे और मेरी बुक में अगर असाइनमेंट होता तो आप कंफ्यूज हो जाते। ओके, उल्टा भी हो सकता था। तो इसलिए आपके आईसीएसई मॉड्यूल में असाइनमेंट भी बोला गया है, लाइसेंसिंग भी बोला गया है, तो मैंने दोनों हेडिंग को डाल दिया यहां पे। पार्टीज के नाम समझ लो और दोनों का मीनिंग भी समझ लो। असाइनमेंट, असाइनमेंट वर्ड का मतलब ही होता है असाइन करना। असाइन का मतलब क्या होता है, अपना पार्ट किसी को डेलीगेट कर देना, आगे बाद जो चीज है वो किसी को ट्रांसफर कर देना, इसको बोलते हैं असाइन कर दिया, ट्रांसफर। ओके, और जो लाइसेंसिंग है, लाइसेंस का भी मतलब वही होता है कि आपके पास जो चीज है आपने वो काम किसी और को करने का परमिशन दे दिया, लाइसेंस दे दिया। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में पढ़ा है आपने, अगर आपने वो नहीं चैप्टर किया तो करेंगे, लाइसेंसर लाइसेंसी, लाइसेंस ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, तो लाइसेंस का मतलब है कि आपने वो काम कोई पर्टिकुलर परमिशन किसी पर्टिकुलर दी है तो उसको हम बोलते हैं लाइसेंस। ओके, परमिशन देना। और आपने कोई काम अपना किसी को दे दिया तो इसको बोलते हैं हम असाइनमेंट, अपना पार्ट किसी को दे देना। अब यहां पे असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट और लाइसेंसिंग ऑफ कॉपीराइट कैसे आया, जरा सुन लीजिए, बड़ा सिंपल है। आप हैं ओनर ऑफ कॉपीराइट, आपके पास कोई भी म्यूजिक, ड्रामा, सिनेमाटोग्राफी, आर्किटेक्चर, कोई भी क्रिएटिविटी या ओरिजिनलिटी आपके पास है और आपने उसका कॉपीराइट करवा रखा हुआ है, यू आर द ओनर ऑफ द कॉपीराइट। लेकिन आप तो क्रिएटिव इंसान है ना, आप कोई मार्केटिंग या सेल्स के बंदे थोड़ी ना है, आपको थोड़ी ना पता है कि पेंटिंग बिकनी कैसे है। आपको तो इतना पता है पेंटिंग बनती कैसे है, आपको ये पता है शेरो शायरी पोइट्री लिखनी कैसे है, आपको ये थोड़ी ना पता है कि नॉवल बेचू कहां पर, मार्केट कहां पर है, खरीदार कहां मिलेंगे, आपको ये थोड़ी ना पता है। आपने थोड़ी ना एमबीए फाइनेंस किया हुआ है यार, ऑब्वियसली आप कहां सड़कों पर घूमते रहोगे। इसीलिए आप एग्रीमेंट करते हो कुछ पब्लिशर्स से, कुछ लोगों से, और उनसे बोलते हो कि देखो यार मैं बड़ा बिजी आदमी हूं, मैं पोइट्री लिखता हूं, नॉवेल्स लिखता हूं, कहानी लिखता हूं बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, और आर्टिकल्स लिखता हूं, और मेरे पास टाइम नहीं है इनको सेल करने का, मार्केट करने का। और तुम बहुत बड़े पब्लिशर हो यार, तुम्हारा नाम है लॉन्गमैन, तुम्हारा नाम है भार्गवा, तुम्हारा नाम है एचएम, तुम्हारा नाम है ऑक्सफोर्ड, ऐसे बड़े सारे पब्लिशर्स हैं मार्केट में, तुम्हारा नाम है सुचित्रा जिसके स्कैनर्स आते हैं, पब्लिशर है एकेडमिक, तुम्हारा नाम है पेंगुइन, पेंगुइन बहुत बड़ा पब्लिशर है बाहर का, यूके का। तो आप मेरी इस पोएट्री को, नॉवल को, कहानी को पब्लिश करो, जो भी पैसे आएंगे, एक नॉवल 200 रुपए की है, जो पैसे आएंगे उसको मिल बांट के खा लेंगे, जो भी रेशियो आपके उसके बीच में डिसाइड होता है। वो कहते हैं सर बात तो बिल्कुल ठीक है, आप लोग हैं इस दुनिया में तभी तो हमारा भी काम चलेगा, आप लोग कोई चीज बनाओ सोचोगे नहीं, लिखोगे नहीं तो हम लोग छापेंगे क्या। बिल्कुल सही बात है। ओके, तो आपने क्या किया, उस पेंगुइन पब्लिकेशन से क्या कहते हैं उसे, एग्रीमेंट, हिंदी में नहीं क्या बोलते हैं एग्रीमेंट को, हिंदी में एग्रीमेंट इज वट एवर, एग्रीमेंट किया। तो रिटन एग्रीमेंट बनेगा स्टैम्प पेपर के ऊपर, जिसपे आप लिखोगे कि कितने टर्म के लिए एग्रीमेंट बन रहा है, कितनी कमीशन यानी कि कितनी रॉयल्टी वो आपको पे करेगा, किस एरिया में आपकी नॉवल, पोइट्री, म्यूजिक, ड्रामा जो भी है बिकेगा, किस एरिया का मतलब है, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, या किसी पर्टिकुलर स्टेट में, या किसी पर्टिकुलर सिटी में। हो सकता है आप उसको ये बोलो कि यार मेरी जो नॉवल्स हैं वो एक बंगाली लैंग्वेज में है, तो उसको सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही बेचना है, इसको साउथ में नहीं करना, गुजरात में भी मत करना, वहां के लोग खरीदेंगे ही नहीं, वहां की कॉपीज बेकार जाएंगी फालतू में फिर। ओके, तो वो बोलेगा ठीक है सर मैं इसको सिर्फ वेस्ट बंगाल में करूंगा। तो आप चाहो तो एक एरिया ज्यूरिसडिक्शन भी कर सकते, बोल सकते हो उसको, अगर आपने एरिया ज्यूरिसडिक्शन उसको एग्रीमेंट में नहीं बताया है तो वो पब्लिशर उसको पूरे इंडिया में कहीं बेच सकता है, कहीं भी सेल कर सकता है। ओके, तो ऑब्वियसली बात है कि आपके और
पब्लिशर के बीच में, यानी कि आपके और दूसरी पार्टी के बीच में क्या हो रहा है, एक एग्रीमेंट हो रहा है, और उस एग्रीमेंट में टर्म कंडीशन लिखी जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट टर्म कंडीशन लिखी जाएंगी। वो टर्म कंडीशन क्या होंगी, ये सोचने वाली बात है, और कहीं ना कहीं वो लॉजिकल बात भी है, कितना रॉयल्टी, कितना ड्यूरेशन, कितना फाइन पेनल्टी, कितने ऑफेंसेस, और कौन कितना इंटरेस्ट पे करेगा, कब कब पेनल्टी वगैरह पे करनी है। हालांकि बनाते कैसे हैं वो एग्रीमेंट, वो बात आप पढ़ोगे सीएस प्रोफेशन में, मैं ही पढ़ाता हूं वो सब्जेक्ट ड्राफ्टिंग वाला, वहां पे बनाना सीखेंगे। यहां पर सिर्फ थ्योरी है कि आखिर के वो जो असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट है उसमें क्या होता है। असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट की सेम टू सेम हेडिंग मिलेगी आपको सीएस प्रोफेशनल की ड्राफ्टिंग की बुक में, मेरी वाली बुक में। उसमें यह है कि असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट ड्राफ्ट कैसे करते हैं, ओके okay, और ड्राफ्ट आप तब कर पाओगे जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव में आपने ये वाली छोटे से तीन चार पैराग्राफ अगर पढ़े होंगे तो। और वहां पे जो सीएस प्रोफेशनल के मेरे स्टूडेंट्स है ना, उनको मैं डांट लगाता हूं कि क्या किया तुमने सीएस एग्जीक्यूटिव में, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स थे तो उन्होंने तो पढ़ लिया, बाकी स्टूडेंट्स ने यहां पे रट्टा रुट्टा मार लिया, पता नहीं था ना प्रोफेशनल में दोबारा से आएगा। तो प्रोफेशनल में जब आता है तो आप कहते हो सर ड्राफ्ट तो मैं कर लूंगा, लाइन वाइन में खींच लूंगा, लिखना क्या है मुझे याद नहीं है, क्योंकि सीएस एग्जीक्यूटिव की थ्योरी याद नहीं है। ओके, तो थ्योरी व्योरी भी थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने उस पब्लिशर को ये काम करने के लिए असाइन किया, यानी कि अपना वो काम असाइन कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ओके, या फिर आपने पब्लिशर को ये काम करने के लिए परमिशन दे दी, यानी कि लाइसेंस दे दिया, ओके। तो आपका नाम क्या हुआ, आपका नाम हुआ असाइनर, यानी कि आप कौन हुए, ऑथर, यू आर क्रिएटिव पर्सन, और जो ऑथर है उसका नाम, सॉरी जो पब्लिशर है उसका नाम क्या हुआ, असाइनी, जिस इज पब्लिशर, पब्लिशर है कोई भी हो सकता है, बुक स्टोर वगैरह, दिस इज यू, दिस इज ऑथर एंड दिस इज पब्लिशर अगेन, ओके। जैसे कि मेरी बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं आप, अभी मैं, मेरी बात चल रही है किसी पब्लिशर से, वो पब्लिशर के पास मैं अपनी बुक्स रखवा दूंगा, क्योंकि ना ये बुक्स की डिमांड काफी आती है स्टूडेंट्स को अभी, पता नहीं कहां कहां किन किन शहरों से, मुझे वो शहरों के नाम भी नहीं पता होते, और वो उन शहरों के स्टूडेंट्स मुझे व्हाट्सएप करते हैं और एसएमएस करते हैं, कहते हैं सर आपकी बुक खरीदनी है, और कैसे अपनी बुक हम आपके पास कैसे करें। मैं बोलता हूं किस शहर से बोल रहे हो आप, तो अभी एक लड़की थी, वन ऑफ द स्टूडेंट, मेरी स्टूडेंट है आपके शायद, अभी वो मेरा लेक्चर देख रही होगी, तो एक गांव, एक सॉरी नॉट गांव, एक शहर है एमपी में, क्या नाम बताया था उसने, देमल्टी और हेमल्टी करके कोई जगह है, आई डोंट नो। तो मैंने बोला कहां पर है, तो शी सेड सर ये एमपी में है। मैंने कहा यार मैंने कभी सुना नहीं इस जगह के बारे में, और मेरी बुक्स वहां पता नहीं कभी होंगी नहीं होंगी। उसने कहा नहीं सर आपकी बुक्स यहां पर बिल्कुल नहीं है, और यहां पर किसी की बुक्स भी नहीं है सीएस के, और हम क्या करें। मैंने कहा देखो अगर आपको मेरी बुक्स चाहिए तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, मैं आपको एक नंबर देता हूं अपने लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का, उसको फोन मिलाना, वो आपको बुक्स भेज देंगे, ओके, और जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो हो जाएगी। तो उसने कहा ठीक है सर। अब देखो अल्टीमेटली उस स्टूडेंट ने तो मुझे कॉल कर लिया, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स जो मुझे जानते नहीं है या पहचानते नहीं है तो ऑब्वियसली वो कैसे करें। तो इसलिए सारी जगह पे बुक्स फैल सके मेरी, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। अब इतना मैं खुद नहीं कर सकता, इतना टाइम नहीं मेरे पास, तो इसलिए आई एम एंटरिंग इन टू द कॉन्ट्रैक्ट विद अ डीलर, सॉरी विद अ पब्लिशर, पब्लिशर का यही दिल्ली का ही है, पब्लिशर के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और पब्लिशर ने मुझसे ये बोला कि सर आप ना मुझे अपने हर एक सब्जेक्ट की, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे सीएस एग्जीक्यूटिव हो, हर एक सब्जेक्ट की हर एक बुक पकड़ा दो, हम अपने आप डिमांड के हिसाब से उसकी कॉपी करवा के सेम टू सेम कवर, सेम टू सेम क्वालिटी, हर एक कंटेंट सेम टू सेम होगा, आपका नाम होगा प्रॉपरली, और उसको बना बना के जहां जहां हमारे ऑल ओवर इंडिया दुकानें हैं वहां वहां हम रखवाएंगे पक्का पक्का। छोटी छोटे शहर में भी हमारी दुकानें हैं, आगरा, लखनऊ, कानपुर, हर जगह हमारी दुकानें हैं, वहां हम रखवाएंगे, और जब भी बुक्स वगैरह बिक जाएंगी वो इनकम हमारे पास आएगी, आपका थोड़ा बहुत पार्ट, हमारे थोड़े बहुत खर्चे हम उसमें से बांट लेंगे। इसी बहाने आपके स्टूडेंट्स को हर अपने दरवाजे के बाहर भी बुक्स वगैरह मिल जाएंगे, और आपको भी टेंशन नहीं है, उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उनके भी फोन के खर्चे वगैरह खत्म हो जाएंगे, मतलब ये बढ़ गया है। ओके, तो ये क्या हुआ, ये एग्रीमेंट हुआ किसका, मेरा और इस पब्लिशर कंपनी का। तो मैं कौन हुआ, मैं असाइनर हुआ, और द अदर कंपनी वुड बी नोन एज पब्लिशर और द असाइनी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, एंड द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी नोन एज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ असाइनमेंट और द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइसेंस, एंड बोथ आर समथिंग द सेम थिंग। ओके, अब इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखना क्या क्या है जरा पढ़ते हैं फटाफट, टाइम नहीं है हमारे पास। असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट, द ओनर ऑफ कॉपीराइट, जल्दी पढ़िए अपनी बुक्स में पढ़िए, मेरे तो सामने, मैंने लैपटॉप पे खोल रखी है बुक, इसलिए आप ये ना समझे आपको देख देख बोल रहा हूं बुक यहां नहीं है मेरे पास।
सामने है. द ओनर ऑफ अ कॉपीराइट ऑफ ओनर ऑफ अ फ्यूचर वर्क में असाइन टू एनी पर्सन ऑफ द कॉपीराइट. अंडरलाइन दिस लाइन. एग्जिस्टिंग वर्क और फ्यूचर वर्क. तो काम अभी बन गया है उसको भी हम असाइन कर सकते हैं, और काम अगर अभी बना नहीं है यानी कि बन रहा है उसको भी हम असाइन कर सकते हैं. ओके ऐसा मैं अपने पब्लिशर को यह भी बोल सकता हूं कि मैं अभी एक और बुक लिख रहा हूं, कोई भी बुक लिख रहा हूं, और जैसी वो बन जाएगी वो काम भी मैं तुमको ही दे दूंगा. तो वो कौन सी बुक हुई, वो एग्जिस्टिंग बुक हुई या फ्यूचर वर्क हुई? वो फ्यूचर वर्क हुई. ओके लेकिन फ्यूचर वर्क एग्जीक्यूट कब से होगा, जब से वो बुक पब्लिश हो जाएगी तब से ही तो होगा. ओके फ्यूचर वर्क जो आने वाला है उसका असाइनमेंट मैं भले ही अभी से कर दूं, लेकिन उसका पब्लिशिंग तो तब से, उसका ड्यूरेशन तब से स्टार्ट होगा ना जब से पब्लिश हुई है वो चीज. ठीक है ना. The owner of a copyright of an existing work or prospective owner of a future work may assign. वो चाहे तो assign कर सकते हैं किसको? To any person. Underline the word to any person. किसी भी person को. The copyright either wholly or partially. चाहे पूरी तरीके से, चाहे कुछ part के लिए. And either generally or subject to some conditions. चाहे तो पूरी तरीके से, generally, चाहे कुछ limitations लगाकर. एंड either फॉर लाइफ टाइम, या तो पूरे लाइफ टाइम के लिए कि सर आप लाइफ के लिए मेरी बुक संभाल लो और पूरे इंडिया में बेचो, वर्ल्ड में बेचो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. ऑफ द कॉपीराइट और एनी पार्ट देयर ऑफ, या कुछ सालों के लिए, एक साल, दस साल, पांच साल, वट एवर. हाउ एवर इन द केस ऑफ फ्यूचर वर्क द असाइनमेंट शेल टेक इफेक्ट ओनली वेन द वर्क कम इन टू एग्जिस्टेंस. लेकिन फ्यूचर वर्क में असाइनमेंट तब से स्टार्ट होगा जब से वो काम पब्लिश हुआ है. ओके जैसे कि अगर मैंने ऑथर्स, अगर मैंने पब्लिशर से पहले ही बात कर ली और पहले ही एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन मेरी बुक्स अभी बनी नहीं है, अभी मेरी बुक्स मैं टाइपिंग कर रहा हूं, अभी मेरी बुक्स बन रही हैं, तो वो बोलेगा सर ठीक है कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को का जो एक इफेक्ट होगा वो तब से होगा जब से आपकी बुक्स बन जाएंगी. ओके द फ्यूचर वर्क जो है उसमें असाइनमेंट का इफेक्टिव तब होगा ओनली वेन द वर्क कम इन टू एग्जिस्टेंस. ऑब्वियसली बात है अभी बुक्स आ से जुड़ना एग्जिस्टेंस आ जाएगा, बुक्स तो अभी बनी नहीं ना, बुक्स मेरी दो महीने बाद तैयार होंगी, तो जब मेरी बुक्स तैयार दो महीने बाद हो जाएंगी तो दो महीने के बाद से वो काउंटर की डेट मानी जाएगी. ठीक है. आगे बोला गया इट मीन नोट डैट आफ्टर असाइनमेंट द राइट. एक काम करे, जो फर्स्ट पैराग्राफ आपने अभी पढ़ा है, अभी अभी आपने जो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा है, इस फर्स्ट पैराग्राफ को कवर करें ब्रैकेट में और लिखें मीनिंग ऑफ असाइनमेंट. मीनिंग ऑफ असाइनमेंट फर्स्ट पैराग्राफ कवर करें, वहां लिखें मीनिंग, क्योंकि मीनिंग बताया ये मीनिंग ऑफ असाइनमेंट, इसका मतलब मीनिंग ऑफ असाइनमेंट. ठीक है चलो. या नेक्स्ट पैराग्राफ इट मे बी नोट डैट, ये नोट किया जाए आराम से लिख लो मीनिंग ऑफ. नेक्स्ट पैराग्राफ इट मे बी नोट दैट आफ्टर असाइनमेंट, जैसे असाइनमेंट हो जाएगा द राइट ऑफ असाइनर, जो असाइनर है यानी कि जो मैं हूं, मेरे असाइनर इन द कॉपीराइट शैल बी डाइल्यूटेड. डाइल्यूट का मतलब होता है पतला हो जाना, कम हो जाना. ओके डाइल्यूटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द राइट सो असाइन टू द असाइनी. बहुत सही बात बोली गई है. जैसे ही मैंने असाइनमेंट किया, जैसे ही मैंने अपना काम पब्लिशर को उतने पार्ट के लिए दिया, उतना पार्ट मेरा कम हो गया, यानी कि उतने अधिकार मेरे कम हो गए, क्योंकि उतने अधिकार मैंने किसी और बंदे को दे दिए. वो कौन था? असाइनी था. समझ में आया ना? लॉजिक सी बात है. मेरे राइट्स जो हैं उतने पार्ट मेरे पतले हो गए यानी कम हो गए, क्योंकि उतना डायल्यूट हो गया, और क्योंकि उतना डायल्यूटेड पार्ट किसके पास चला गया? असाइनी के पास चला गया. ठीक है. In respect of the right so assigned, उस right के लिए जो मैंने assign किए हैं, the assignee shall be considered to the owner during the period of assignment. सही बात है. जब तक assignment चल रहा है तब तक जो assignee है यानी कि जो publisher है उसी को उतने part के लिए owner माना जाएगा, जितने part के लिए मैंने उसको owner बनाया है. वो अपना जो मर्जी करे, बस ये है कि वो ही करेगा जो मैंने हमने agreement हमने किया है. तो second paragraph जो है, second paragraph को cover करके लिखिएगा डाइल्यूशन यानी कि कम हो जाना ऑफ किसके राइट्स, किसके राइट्स कम हो रहे हैं, किसके राइट्स डाइल्यूट हो रहे हैं. जो अपने राइट किसको देगा उसी के राइट तो कम होंगे ना, जिसके पास राइट्स आएंगे उसके राइट तो बढ़ जाएंगे ना. कौन किसको अपने राइट्स दे रहा है? असाइनर अपने राइट्स दे रहा है. किसको? असाइनी को. तो डाइल्यूशन ऑफ असाइनर्स
राइट ओके नेक्स्ट पैराग्राफ प्लीज या द असाइनर ऑफ द कॉपी द असाइनमेंट ऑफ द कॉपीराइट इन एनी वर्क शैल बी वैलिड ओनली व्हेन इट इज इन राइटिंग. सही बात है, हर कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए तभी वैलिड माना जाएगा. एंड साइन बाय द असाइनर और हिज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट. साइन साथ में उसको असाइनर साइन भी करे, लॉजिक है साइन भी तो होगा. फर्दर आगे द असाइनमेंट शैल स्पेसिफाई द राइट्स ऑफ राइट्स असाइनमेंट इज नॉट स्टेटेड एंड देन इट शैल बी डीम्ड टू बी 5 years. अगर टाइम मेंशन है तो ठीक है, अगर टाइम मेंशन नहीं है तो हम मान लेते हैं कि वो 5 साल तक के लिए है, कॉन्ट्रैक्ट 5 साल तक के लिए है. इन केस ऑफ टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द असाइनमेंट ऑफ द राइट इज नॉट स्पेसिफाइड दैट इट इज डीम्ड टू बी प्रिज्यूम्ड एक्सटेंड विद इन इंडिया. तो अगर आपने असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट का टाइम डिसाइड किया है 1 साल 2 साल 6 महीने 8 साल व्हाटएवर तो ठीक है, अगर टाइम डिसाइड नहीं किया तो हम मान लेते हैं कि 5 साल तो है, 5 साल के लिए मान लेते हैं. अगर आपने लिखा हुआ है उसमें 6 महीने 10 महीने 2 साल 5 साल 8 साल 10 साल तो उतना टाइम होगा, नहीं लिखा है तो 5 साल एक बार 5 साल का ब्लॉक मान लेंगे. ठीक है, यू कैन रिन्यू द असाइनमेंट ऑल्सो, आप उसको बार बार रिन्यू भी कर सकते हो. अगर आपने ये नहीं लिखा कि किस शहर के लिए आप असाइनमेंट कर रहे हो तो हम मान लेते हैं ऑल ओवर इंडिया, ये तो मैंने बताया था कुछ देर पहले. ओके तो थर्ड पैराग्राफ जो है वहां लिखिएगा टर्म्स एंड कंडीशंस. टर्म कंडीशंस तो नहीं इतनी, क्योंकि सारी टर्म कंडीशंस नहीं है, यहां लिख लीजिएगा. चलो टर्म कंडीशन ही लिख लो, क्या फर्क पड़ता है. टर्म एंड कंडीशंस ऑफ असाइनमेंट, टर्म कंडीशंस ऑफ असाइनमेंट. ओके शॉर्ट फॉर्म में असाइनमेंट, एग्जाम में मत लिखना शॉर्ट फॉर्म, क्लास के लिए बस. Okay. The next part, the last part obviously, where the assignee is, does not exercise the rights assigned to him. अगर assignee ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया जो उसको अधिकार हम दिए थे, कब तक, 1 साल तक. From the date of assignment, the assignment in respect of such rights shall be deemed to have been lapsed. Obviously, उसका time expire कर जाएगा और जो भी अधिकार उसके उसको हमने दिए थे वो खत्म हो जाएंगे. Unless otherwise specified in the assignment, अगर कुछ assignment contract में कुछ और नहीं दिया गया है तो. In any dispute, it shall be decided with the copyright board. तो अगर कुछ भी dispute अगर होता है तो copyright board के पास वो matter जाएगा. ठीक है, तो जो last paragraph है, last paragraph को मैं ऊपर लिख रहा हूं, जगह नहीं है तो लास्ट पैराग्राफ को कवर करके लिखिएगा ब्रैकेट में. लैप्स ऑफ असाइनमेंट, मतलब वो बात है कि मैंने पब्लिशर को बोला कि ये ले यार मेरी बुक्स पकड़, इसको पूरे इंडिया में छाप, लेकिन वो पब्लिशर इतना आलसी बंदा है वो मेरी बुक्स को पकड़ के बैठा रहा, लेकिन 1 साल तक मेरी बुक्स प्रिंट ही नहीं की, पता नहीं क्या कर रहा, प्रिंट ही नहीं कर रहा, प्रिंट ही नहीं कर रहा. 6 महीने 8 महीने 10 महीने 1 साल 1.5 साल हो गया. अब मैं कहता हूं भाई रहने दे, तेरे बस का ना हो, तुझसे ना हो पाएगा, तुम रहने दो. और हमारा जो काउंटर बना था ना असाइनमेंट का, समझो वो लैप्स हो गया. वो कहता ना साहब ना, आपने काउंटर किया था 3 साल के लिए या 5 साल के लिए 8 साल के लिए. मैं कहता हूं भाई तुमने 1 साल तक कोई काम ही नहीं किया इसके ऊपर, काय के तुमने फालतू में असाइनमेंट लिया है. इससे जब मैं किसी और को देता मेरी कम से कम बुक्स तो बिकती मार्केट में. कहता है सर ऐसा है जो भी है ब्ला ब्ला ब्ला. कहता ना जी ना, असाइनमेंट काउंटर अपने आप एक्सपायर हो गया, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हम मान लेंगे एक्सपायर हो गया, लिखा है डीम्ड टू हैव बीन एक्सपायर्ड, मान लेंगे एक्सपायर हो गया. ठीक है ना, हाँ अगर हमने एग्रीमेंट में कुछ लिखा हुआ है अलग से तो वो चलेगा, नहीं लिखा हुआ तो मान लेंगे एक्सपायर हो गया. ओके और अगर वो फिर भी बदतमीजी करता है पब्लिशर, फिर भी लड़ाई करता है, ना जी ना मैं तो अपनी बुक वापस नहीं करूंगा, मैं तो फिर भी छापूंगा. डिस्प्यूट अगर है तो कॉपीराइट बोर्ड बना हुआ है, कॉपीराइट बोर्ड में जाकर लड़ाई करो. जैसे कंप्यूटर लॉ बोर्ड है और बड़े सारे बोर्ड है, आरबीआई के अपने बोर्ड है, अम्बर्समैन है, वहां जाकर लड़ाई करो. ठीक है, मुकदमा करो, छोड़ना नहीं किसी को. ओके ये सारी कहानी जो आपने भी पढ़ी है ना, मीनिंग ऑफ असाइनमेंट, डिल्यूशन ऑफ राइट्स वगैरह, ये सारी कहानी आपको मिलेगी अगली हेडिंग में, लाइसेंसिंग ऑफ कॉपीराइट में. आपको शक है मुझ पे, शक है मुझ पे तो देख लीजिए लाइसेंसिंग ऑफ कॉपीराइट का जो फर्स्ट पैराग्राफ बड़ा सा है, जरा उसको जरा पढ़ के देखिए, एक बार पढ़ के देखिएगा. देखिए फर्स्ट लाइन में दिखा हुआ है ओनर ऑफ कॉपीराइट कैन ग्रांट इंटरेस्ट ऑफ हिज राइट्स एंड अदर पर्सन. आपको दिखाई देगा वहां पे 5 years भी है, डाइल्यूशन भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, टेरिटोरियल एक्सटेंड भी मिल जाएगा, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, बस लैंग्वेज अलग मिल जाएगी आपको. ओके पैराग्राफ तो वही है.
ठीक है, सब कुछ वही है। अब असाइनमेंट और लाइसेंसिंग वाले पार्ट वो क्लियर तो हो गए, मतलब दोनों पार्ट क्लियर तो हो गए, लेकिन अब जो सवाल होना चाहिए, मतलब जो एक समझने वाला जो पार्ट है ना, अब मैं उस पर आ रहा हूं। असाइनमेंट तो ओवर, लाइसेंस में दो पार्ट हैं, कंपल्सरी लाइसेंस और वॉलंटरी लाइसेंस। सुनो ये बात ध्यान से, इसको समझ लिया तो मजा आ जाएगा। चलो जी मजा आ जाएगा। देखो ऐसा है कि वॉलेंट्री लाइसेंस, वॉलेंट्री का मतलब होता है मर्जी। वॉलेंट्री लाइसेंस तो वो लाइसेंस हुआ जहां पर मैं अपनी मर्जी से किसी को लाइसेंस दे रहा हूं। मतलब अभी जो हुआ था कुछ देर पहले, मैंने एग्जांपल दिया था कि मेरी अपनी बुक्स हैं और मैंने पब्लिशर को पकड़ा और बोला इसको मार्केट कर, इसको बेच यार मार्केट में, अपनी प्रिंट अपने आप करवा करवा के बेचा करो, बुक्स खत्म हो जाए अपने प्रिंट करवाया करो, फिर खत्म हो जाए अपने प्रिंट करवाओ, बढ़िया बाइंडिंग करो, मेरा नाम छापो, जैसे बुक्स प्रॉपरली बाइंड है वैसे की वैसे इसको प्रिंट करो और इसको मार्केट में बेचो, और जो बुक्स बिकेगी, एक बुक 250 की है या 300 जो भी की है, उस पर मेरे को मेरा पार्ट दे देना, तुम अपना पार्ट छोटा सा वो भी रख लेना। तो ये तो क्या हुआ, ये तो वॉलेंट्री लाइसेंस हुआ। ओके, वॉलेंट्री लाइसेंस अपनी मर्जी से किसी को लाइसेंस देना, अपनी मर्जी से किसी को असाइनमेंट करना, वो तुमने पढ़ ही लिया, उसमें एग्रीमेंट बनेगा, अपना राइट कम हो जाएगा, डल्यूशन हो जाएगा, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, उस पर टर्म कंडीशन होंगी, टाइम होगा, टाइम नहीं दिया गया है तो 5 साल मान लिया जाएगा, और डिस्प्यूट होगा तो कॉपीराइट बोर्ड में हम जाएंगे, है ना, और ऑल ओवर इंडिया मान लेंगे अगर हमने कोई टेरिटोरियल पार्ट अगर नहीं बोला है तो। ओके, वॉलंटरी लाइसेंस तो हो गया, लेकिन दूसरा पार्ट है समझने वाला, वो है कंपल्सरी लाइसेंस। कभी कभी क्या होता है, जहां पर आप लिखते हैं कोई बहुत बढ़िया नॉवल, पोएट्री, ड्रामा, म्यूजिक, एनी क्रिएटिविटी, एनी ओरिजिनलिटी, एनी लिटरेचर, व्हाटएवर, एंड यू डोंट वांट टू गिव एनीवन लाइसेंस अबाउट दैट वर्क। आप इसको लाइसेंस देना नहीं चाहते, उसके ऊपर देना ही चाहते, तो वहां पर सरकार आपको बोलती है कि देखो भाई ऐसा है तो मैं लाइसेंस, तुम्हें किसी को लाइसेंस देना पड़ेगा ताकि वो बंदा, दूसरा बंदा आपकी पोएट्री, ड्रामा, म्यूजिक जो स्टोरी है वो पब्लिश कर सके, रीपब्लिश कर सके। आप सरकार से बोलते हो ना जी ना, मैं नहीं देता किसी को लाइसेंस, मेरे को देना ही नहीं है, ये स्टोरी, ये कहानी लिखी है और मैं ये कहानी मार्केट में पब्लिश करने के लिए किसी को लाइसेंस दूंगा ही नहीं देता मैं लाइसेंस। सरकार बोलती है देखो भाई ऐसा है, वॉलेंट्री लाइसेंस दे रहे हो तो अच्छा है, वरना हम कंपल्सरी लाइसेंस का प्रोविजन लगा देंगे और कंपल्सरी लाइसेंस देना पड़ेगा। आप सरकार से बोलते हो, सरकार मतलब कॉपीराइट रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार कॉपीराइट, ओके, आप सरकार से बोलते हो सरकार मेरी कहानी, मेरी स्टोरी मैंने सोची है, मेरी ओरिजिनलिटी, मेरी क्रिएटिविटी है, 3 महीने लगाए मैंने कहानी सोचने में और इतनी बढ़िया कहानी लिखी मैंने, और मेरी मर्जी, नहीं देता मैं किसी को लाइसेंस ये कहानी पब्लिश करने का मार्केट में, नहीं देता मैं, मेरी मर्जी, मुझे नहीं कमाने पैसे यार, नहीं कमाने। सरकार बोलती देख भाई, देखो वो कहावत है कि वो सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी कर लेनी चाहिए, समथिंग समथिंग व्हाटएवर, सरकार आपको ना इशारों में बोलती है और कहती है देखो यार क्या है, पब्लिश करवा दो ना, तुम्हें रॉयल्टी देंगे ना, हम क्यों टेंशन ले रहे हो, जितने की तुम्हारी कहानी बिकेगी मार्केट में, जो तुम्हारी नॉवल्स बिकेगी मार्केट में, तुम्हें पैसे मिलेंगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। आप बोलते हो नहीं सर मेरे को पैसे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट मनी यार, मुझे नहीं चाहिए पैसे, मैं अपनी कहानी मार्केट में पब्लिश करना ही नहीं चाहता, किसी को मैं लाइसेंस देना ही नहीं चाहता, जो मैंने लिखा है उसको मैं मार्केट में लाना ही नहीं चाहता। अब क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है यार, मेरी मर्जी, आई डोंट वॉन्ट दिस। सरकार बोले तू ऐसे नहीं मानेगा, तू ऐसे नहीं मानेगा बुट्टर,
पुत्र तेरे साथ कुछ करना पड़ेगा पुत्र, हमारे पुत्र। आप बोलते हो सरकार से, अच्छा जी क्या मुझे धमकी मिल रही है? सरकार बोलती नहीं, धमकी तो हम देते नहीं है, है? धमकी तो हम देते नहीं है, हम तो सिर्फ ऑर्डर करते हैं, वो भी लीगल। तो ऑर्डर है भाई साहब, अब तो लाइसेंस दे दो, क्योंकि अब तुम वॉलंटरी लाइसेंस में नहीं, अब तुम कंपल्सरी लाइसेंस में आ गए हो, और कंपल्सरी लाइसेंस देने का मतलब है तुम्हें अब लाइसेंस देना ही पड़ेगा किसी को। आप सरकार को बोलते हो, सरकार समझ में आ नहीं रही बात, पीछे क्यों पड़े हो, क्यों पीछे पड़े हो, क्यों पीछे पड़े हो? नहीं देना चाहता मैं किसी को ये काम का लाइसेंस, अपनी ये नॉवल, अपनी जो स्टोरी मैंने लिखी है इसको मैं खुद ही पढ़ के रोज सोना चाहता हूं चैन की नींद, और तके के नीचे दबा के रखना चाहता हूं, काम खत्म। क्यों पीछे पड़े हो? सरकार कहती देख भाई ऐसा है, जो तुमने लिखा है ना, हम तुम्हारी तारीफ करना नहीं चाहते थे लेकिन अब करनी पड़ रही है, वो बहुत बढ़िया लिखा है, बहुत बढ़िया। जो स्टोरी है वो स्टोरी बहुत ही मोटिवेटिंग है, उसमें रियलिटी का पार्ट भी है, उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ भी छुपे हैं, उसमें कोई ना कोई मोटिवेटिंग फैक्टर भी है, उसमें ब्रेवरी की बातें भी दी गई हैं, उसमें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट लेसन भी हैं। और अगर ये बात मार्केट में पब्लिश होती है, प्रिंट होती है, अगर मार्केट में ये बात अगर आती है, अगर ये नॉवल मार्केट में अगर प्रिंट होती है, पब्लिश होती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में, सोसाइटी में और स्कूल के बच्चों की किताबों में अगर ये स्टोरी अगर एक चैप्टर में अगर आ जाती है तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इसीलिए तुमको लाइसेंस जरूर देना पड़ेगा। आप बोलते हो ओहो ओहो, तो ये बात है, पहले क्यों नहीं बताया। सरकार बोलती है बस वही बात ना, तुम इंडियंस की तारीफ कर दो तो तुम्हें दिक्कत बड़ी हो जाती है, चढ़ जाते तुम फिफ्थ फ्लोर पे। तो इसलिए नाउ द गवर्नमेंट ऑर्डर, द रेस्ट ऑफ कॉर्पोरेट ऑर्डर फॉर द कंपल्सरी लाइसेंस, एंड इट डज नॉट मीन दैट यू विल नॉट रिसीव एनी पार्ट ऑफ द रॉयल्टी, यू विल रिसीव द रॉयल्टी ऑब्वियसली। ओके, अब सवाल यह है छोटा सा, मैं सवाल क्या है वो जवाब ही है सीधा, कि सरकार अगर आपके ऊपर कंपल्सरी लाइसेंस का प्रोविजन लगा भी देती है तो किस चीज के ऊपर लगाएगी, वो चीज पब्लिश हो चाहे अनपब्लिश हो, दोनों केस के लिए आंसर है, दोनों केस के लिए, ठीक है ना। देखो बाबा रामदेव की जो बातें हैं, अगर वो बातें, वो मंत्र, अगर वो एक्सरसाइज, अगर वो योगा के टेक्निक्स, अगर वो बीमारियों को ठीक करने की तरीके, अगर वो कॉपीराइट करवा ले और अपने पास चुपचाप से रख ले तो सोसाइटी का बेनिफिट नहीं हो पाएगा। ये सारी बातें अगर रडियार्ड किपलिंग ने सोची होती, शेक्सपियर ने सोची होती, तो सर कभी भी मार्केट में, सॉरी कभी भी हमारे सिलेबस में मर्चेंट ऑफ वेनिस, इमेजेस ऑफ लाइफ, फिगमेंट्स ऑफ इमेजिनेशन, ये सब स्टोरीज नहीं होती है, और हम कभी सिलेबस में इतना कुछ पढ़ ही नहीं पाते, हम रह जाते सिर्फ वो महात्मा गांधी के ऐसे तक, ऑब्वियसली बात है। तो लिटरेचर का मतलब है अपने इमेजिनेशन को बढ़ाना, इसलिए कवि बनते हैं लोग, इसलिए आर्टिस्ट बनते हैं लोग, क्योंकि वो अपने इमेजिनेशन को बढ़ा सकते हैं। लिटरेचर बचपन से किसी का शौक नहीं होता, लेकिन लिटरेचर जब से वो पढ़ता है तो उसको अच्छा लगता है, इमेजिनेशन कर सकता है। Are you getting my point? तो इसलिए सरकार चाहती है कि आप अपने उस गुड वर्क का लाइसेंस जरूर दें और इस चीज को मार्केट में जरूर लेकर आए। अब कंपल्सरी लाइसेंस में पहली हेडिंग हम बढ़ते हैं, अब वो काफी कुछ कहानी तो क्लियर हो ही गई ऑलरेडी। इन केस ऑफ पब्लिश वर्क, अगर काम पब्लिश वर्क है तो अ कंप्लेंट मे बी मेड टू द कॉपीराइट बोर्ड, एक कंप्लेन दर्ज की गई है कॉपीराइट बोर्ड में। क्यों दर्ज की गई है पढ़ते हैं, क्योंकि आप किसी को लाइसेंस दे नहीं रहे होंगे इसलिए उसने कंप्लेंट डाल दी है कि सर मुझे लाइसेंस दे रहा है बंदा, प्लीज इसे लाइसेंस दिलवाओ ना, ओके चीटिंग करता है। इन केस ऑफ पब्लिश वर्क अ कंप्लेंट में बी मेड टू द कॉपीराइट बोर्ड, एक कंप्लेन दर्ज की जा सकती है कॉपीराइट बोर्ड में एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टर्म ऑफ कॉपीराइट, किसी भी टाइम पर जब कॉपीराइट टर्म चल रहा हो, इन एनी इंडियन वर्क, किसी भी इंडियन वर्क में विच हैज बीन पब्लिश, अंडरलाइन द वर्ड विच हैज बीन पब्लिश, जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, हेडिंग ये है। ओके,
तो किसी बंदे ने कंप्लेन की है, कंप्लेन करने वाला कौन है ये अभी तक मुझे नहीं पता, ये आपको भी नहीं पता कौन है कंप्लेन करने वाला, लेकिन किसी बंदे ने कंप्लेन तो डाली है कॉर्पोरेट बोर्ड में कि शायद लाइसेंस नहीं मिल रहा। देखते हैं किस बात के लिए कंप्लेन डाली है। आगे लिखा हुआ है दैट द ओनर ऑफ द कॉर्पोरेट इन द वर्क हैज रिफ्यूज टू ग्रांट अ परमिशन फॉर द रीपब्लिकेशन परफॉर्मेंस इन द पब्लिक और कम्युनिकेशन टू द पब्लिक और बाय एनी रीजन ऑफिसर्स रिफ्यूजल टू द वर्क इज विदहेल्ड फ्रॉम द पब्लिक। सही बात है, कोई ऐसा बंदा है सर, कोई ऐसा बंदा है जो सरकार के पास जाकर, कॉर्पोरेट बोर्ड के पास जाकर कंप्लेन डालता है कि सरकार सरकार जो ओनर है ना वो इस काम को अपने पास विदहेल्ड करके दबा कर तके के नीचे रखना चाहता है, वो उस काम को नहीं चाहता कि पब्लिक में परफॉर्म हो, वो नहीं चाहता इस काम को हम पब्लिक में कम्युनिकेट करें, वो नहीं चाहता कि इस काम को हम रिपब्लिश करें। ओके, तो कंप्लेन करने वाला कौन है पता नहीं कौन है, लेकिन किसके खिलाफ कंप्लेन कर रहा है, ओनर के खिलाफ कंप्लेन कर रहा है। ओनर कौन है, ऑथर है, और कहां कंप्लेन की है, रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट में या कॉपीराइट बोर्ड में, कॉपीराइट बोर्ड डिस्प्यूट वहीं पे होते हैं, कॉपीराइट बोर्ड में कंप्लेन की है। तो लॉजिक सी बात है, आखिर कंप्लेन करने वाला कौन होगा ढूंढ के बताइए। तो कंप्लेन करने वाला वही बंदा होगा जो लाइसेंस लेने आया था और आपने धक्के मार के निकाल दिया, भाग जाए यहां से, मुझे कोई पब्लिश नहीं करवानी ये चीज, भाग जाए यहां से, और मैं लाइसेंस तुझे आज तो क्या कभी भी नहीं दूंगा। तो वो शिकायत लेके गया है कॉपीराइट बोर्ड में, सरकार सरकार चीटिंग करता है, इतनी बढ़िया पोएट्री लिखता है और कहता है लाइसेंस दे दूंगा, लाइसेंस दिलवाओ ना, चीटिंग करता है। ओके, तो इसके ऊपर अब बात आ रही है, कहानी आ रही है। तो स्टार्टिंग की 6 लाइन में तो सिर्फ कंप्लेन डाली गई है। ओके, अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब कॉपीराइट बोर्ड क्या करेगा, आपको शायद बुलाएगा, बेटा लाइसेंस दे, ऐसे मत करे यार प्लीज, इतनी बढ़िया कहानी लिखता है लाइसेंस देता है यार, ऐसे मत कर। देन कॉपीराइट बोर्ड, मेरे साथ पढ़े आप प्लीज, मेरे साथ पढ़े, साथ पढ़ेंगे तो मजा आएगा। देन द कॉपीराइट बोर्ड, उसके बाद क्या होगा, द कॉपीराइट बोर्ड जो है आफ्टर गिविंग द ओनर ऑफ द कॉपीराइट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड, ओनर को एक बार बोलने का मौका देगा, हां भाई ओनर क्या बात है, ये बंदा हमारे पास आया था, कंप्लेन डालता है कि तुम लाइसेंस दे रहे हो, और सुना है तुमने बहुत बढ़िया स्टोरी लिखी है, थर्ड क्लास के बच्चों के सिलेबस में आ सकती है, लाइसेंस क्यों नहीं दे रहे हो, और तुम जानते हो ये बंदा जो कंप्लेन लेकर आया ये कौन है, आप बोलते हो नहीं मुझे नहीं पता ये बंदा कौन है, अरे बहुत बड़ा पब्लिशर है, अच्छा होगा, अरे यार वो वाला पब्लिशर नहीं, ये स्कूल की किताबें लिखता है, लॉन्ग मैन पब्लिकेशन, पता है आपको लॉन्ग मैन पब्लिकेशन कौन है, नहीं वैसे आपसे पूछ रहा हूं, पता है आप लोग वैसे लॉन्ग मैन पब्लिकेशन कौन है, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स अगर आप लोग हैं, तो थर्ड क्लास में और फोर्थ क्लास में जो आपके लिटरेचर सब्जेक्ट होता था ना, लिटरेचर सब्जेक्ट के जो बुक थी, पतली सी बुक थी, उस बुक पे छोटा सा होलोग्राम स्टिकर लगा रहता था, वो स्टिकर को 3D स्टिकर बोलते थे हम, 3D स्टिकर को अगर ऐसे से करके देखो ना, उस पर लिखा होता था छोटा सा लॉन्ग मैन, और उस पर एक बतख बनी होती थी ऐसे करके, वो पब्लिशर है। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो यूपी बोर्ड से अगर आप हैं स्पेशली, तो यूपी बोर्ड में भी किताबें आती है अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की और इसकी उसकी, उस किताबों के ऊपर एक्सक्यूज मी HM लिखा होता है, HM, पता है HM कौन है, HM पब्लिकेशंस का नाम है। और अब हिंदी छोड़ो इंग्लिश छोड़ो, अब आप CS में आ गए हो, तो CS में एक पब्लिकेशन तो आपको बड़ा फेमस है, नाम सुचित्रा पब्लिकेशन है, ठीक है ना, समझ में आ रहा क्या हो रहा है। तो इसलिए ये लोग चाहते हैं मार्केट में चीजें आए, स्टूडेंट्स का भला हो। ओके, देन द कॉपीराइट आफ्टर गिविंग, आपको मौका देगा बोलने का, एंड आफ्टर होल्डिंग सच इंक्वायरी, और एक बार इंक्वायरी कमीशन बिठाएगा, आपके साथ बातें करेगा और आपके रीजन जानने की कोशिश करेगा कि आखिर आप लाइसेंस देना क्यों नहीं चाहते लाइसेंसर को। इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द ग्राउंड ऑफ सच रिव्यूजल आर नॉट रिजेबल, और अगर लगता है कॉपीराइट बोर्ड को कि आपका लाइसेंस देने का जो रीजन है वो बहुत ही बेवकूफ वाला है, बहुत ही नॉनसेंस है, तो डायरेक्ट द रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट, तो डायरेक्टली ऑर्डर करेगा, डायरेक्ट का मतलब होता है डायरेक्शन देना, यानी कि ऑर्डर करना किसको, रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट को, टू ग्रांट द कंप्लेनेंट अ लाइसेंस टू रिपब्लिश द वर्क, कि कंप्लेनेंट को ये काम पब्लिश करने का लाइसेंस दो। रजिस्टर बोलेगा, रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट बोलेगा ओके ओके, कंप्लेनेंट कौन था, पब्लिशर, खुश कौन हो गया, पब्लिशर, दुखी कौन हो गया, आप, नखरे किसने दिखाए थे, आपने, ड्रामे कौन कर रहा था, आप, तके के नीचे कहानी किसने रखी हुई थी, आपने,
ओके रीजन पूछेगा कॉपीराइट बोर्ड, रीजन बता दीजिए कि सर ये कहानी मेरे पापा की है, मेरे फादर की है और उन्होंने अपनी खुद की लाइफ के ऊपर लिखी थी और ये कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं है, ये मेरे फादर की खुद की जीवनी है और मैं इसको देना नहीं चाहता, मैं रात को बस रोज पढ़ के सोता हूं, मुझे उनकी याद आती है, तो लगेगा कॉपीराइट बोर्ड को कि हाँ यार उनकी खुद की लाइफ की स्टोरी है तो शायद ये मार्केट में नहीं आनी चाहिए, खराब है, तो शायद छोड़ देगा। लेकिन उनको लगेगा अगर कॉपीराइट बोर्ड को कि आपकी जो बात है वो बिल्कुल ही नॉनसेंस है तो शायद कॉपीराइट बोलेगा नहीं जी नहीं, मार्केट में पब्लिश करो इसे, ओके। और रजिस्टर कॉपीराइट को बोलेगा कि इसको मार्केट में पब्लिश करवाओ। आगे डायरेक्ट द रजिस्टर कॉपीराइट टू ग्रांट द कंप्लेनेंट अ लाइसेंस टू रीपब्लिश द वर्क, पब्लिश द वर्क, परफॉर्म द वर्क इन पब्लिक, जो भी परफॉर्म करना था एज अ केस में वट एवर, द लाइसेंस में कंटेन सच टर्म कंडीशन, और उस लाइसेंस में वो टर्म कंडीशन वगैरह होगी जो भी उसमें मेंशन की गई होगी एज डिसाइडेड बाय द कॉपीराइट बोर्ड, एंड अ कॉम्पेंसेशन टू बी पेबल टू द ओनर ऑफ द कॉपीराइट। और कुछ ना कुछ हर्जाना हम पे करेंगे कॉपीराइट ओनर को, जो कि पैसे तो पे करना ही करना है ना, क्योंकि चीज तो आप ही की थी, कुछ ना कुछ पैसे तो आपको जरूर मिलेंगे। ओके आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट इज हैपनिंग, एवरीथिंग इज जस्ट हैपनिंग लाइक दिस। ओके द कंप्लेनेंट मेड अ कंप्लेंट टू कॉपीराइट बोर्ड, मैं एक बहुत ही रफ चार्ट बना रहा हूं, ये कॉपी करने वाला तो नहीं है, खैर सिर्फ रफ चार्ट बना रहा हूं फटाफट आपके लिए, मेरे को कंप्लेंट टू कॉपीराइट बता के वो सीक्वेंस का पता चल जाए कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। कॉपीराइट बोर्ड, कॉपीराइट बोर्ड ओनर के पास गया, रीजन पूछे, रीजन बेकार लगे तो रीजन आर नॉनसेंस, देन कॉपीराइट बोर्ड बोलता है किसको, रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट को, किस बात के लिए, ग्रांट कॉपीराइट, ओके। और फिर बनेगा एग्रीमेंट, ओके, यू नीड नॉट टू कॉपी दिस यार, अब वो कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ये इट्स जस्ट अ कैजुअल चार्ट, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू अबाउट द प्रोसीजर व्हाट इज हैपनिंग वन बाय वन। ओके दिस इज अ कंपल्सरी पार्ट, कंपल्सरी पार्ट ऑफ अब्रॉड, कंपल्सरी लाइसेंसिंग ऑफ द वर्क विच हैज बीन पब्लिश, विच इज ऑलरेडी पब्लिश इन द मार्केट, आर यू गेटिंग इट, यू नो कॉपी दिस, यू कैन कॉपी दिस, टेक इट इजी। ओके फाइन, द नेक्स्ट पार्ट, अनपब्लिश्ड वर्क इज अ ट्रांसलेशन इन द केस ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग एंड सिनेमाटोग्राफी एंड फिल्म्स एंड आर्टिस्टिक एंड म्यूजिकल वर्क एंड स्लो सो ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहां पे बड़ा सिंपल है कि अगर अगर कोई अनपब्लिश वर्क है एज अ ट्रांसलेशन, अगर कोई ट्रांसलेशन वगैरह हो रही है कोई साउंड रिकॉर्डिंग की, कोई मूवी वगैरह की, आर्टिस्टिक वर्क की, म्यूजिकल वर्क की, इसको मैं वन बाय वन करके पढ़ता हूं क्योंकि ये भी बड़ी आसान है। Where in the case of an Indian work, अगर कोई Indian work है तो author is dead, और अगर author की death हो चुकी है या author unknown है, cannot be traced, उसका पता नहीं चल सकता, of the copyright in such work cannot be found, या फिर उसका author का पता नहीं चल सकता उस काम के लिए, any person may apply to the copyright board for a license to the publish such work or translation thereof in any language before making application to the applicant, such publish applicant shall publish the proposal in one issue of daily newspaper in the English language having circulation in major parts of the country, where application is for the publication for the translation in any other languages, English, the applicant shall also publish his proposal in one issue of daily newspaper in that language, where such an application is made to the copyright board, it may direct the registrar of copyright to grant the applicant the license to publish the work or a translation thereof, subject to the payment of an amount royalty as a deed determined by the copyright board, thereupon the registrar of copyright shall grant the license to the applicant. आपको कुछ समझ में आया? क्या आपको कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया, हम समझाते हैं, छोटी सी कहानी, बस इतना पढ़ लो फिर मैं वीडियो ऑफ कर दूंगा, मतलब मुझे पता है काफी लंबा हो गया लेकिन इसको मैं फिर इसके बाद वीडियो कट कर दूंगा ताकि आगे वाला पार्ट जो है वो अलग से पढ़ सके। ओके तो इतने पार्ट के लिए मैं खत्म कर, छोटी सी कहानी और सुन लो बस। ओके मुझे पता है आपको बहुत नींद आ रही है लेकिन ये कहानी ऐसी जुड़ी हुई है थोड़ी बहुत पॉइंट नंबर वन से, तो हम इसको बीच में रोक नहीं सकते, सुनो सुनो
सुनो सुनो, आप कभी गोवा गए घूमने? गोवा गोवा, अरे गोवा यार, आप किसी दिन गोवा गए घूमने? ओके, आप गोवा गए, बीच के किनारे, बीच समुंदर, बीच, आप वहां टहल रहे हो, ठंडी ठंडी हवा, सी ब्रीज, ठंडी हवा चल रही है, मजा आ रहा है, आहा क्या बात है, लोग घूम रहे हैं, काफी अच्छे अच्छे लोग भी घूम रहे हैं मतलब मजा आ रहा है। कहीं दूर, बहुत दूर, आप देखते हो छोटी सी कोई कुटिया है, कोई झोपड़ी सी बनी हुई है बीच के किनारे। तो बीच के किनारे झोपड़ी है, छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है, आप कहते हो कमाल है, गोवा के बीच में, मतलब गोवा के समुद्र के बीच के किनारे, समुद्र के किनारे ये छोटी झोपड़ी क्या कर रही है? आपके अंदर वो एक एक यू नो क्या बोलते हैं उसे, एक वॉर्म है, वॉर्म मतलब वो कीड़ा टाइप का है कि जाके देखते हैं उस झोपड़ी में क्या है। आप दोस्त से बोलते हो देख छोटी झोपड़ी, जाके देख रहा है क्या है उसके अंदर। अब दोस्त बोलता है ना मैं नहीं जा रहा, मैं तो यहां समुद्र के किनारे बैठा हूं, तेरे को जाके हो गया। आप बोलो ठीक है, आप दौड़ लगाते हो, झोपड़ी देखते हो पास जाके, काफी अच्छी सी है, पुरानी है बहुत, टूटी फूटी सी पड़ी हुई है, आप आवाज लगाते हो, कोई है कोई है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। चढ़ते हो 2-3 स्टेप ऊपर, पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, यहां झोपड़ी है, हवा चल रही है ठंडी, शाम हो रही है करीब 6-7 बजे और अंधेरा होने वाला है, सूरज करीब करीब डूब चुका है, समुद्र की हवा आ रही है हल्की हल्की, लहरें आ रही हैं जा रही हैं। दरवाजे पर पहुंचते हो, कोई है कोई है? कोई नहीं है। ठीक है, इंडियन है तो झांकेगा जरूर, खिड़की खोलता है अपने आप साइड से, कोई है कोई है? कोई नहीं है। आप दरवाजे को हल्का सा नॉक करते हो, जैसे नॉक करते हो दरवाजा खुलता है अपने आप, ऐसे खुलते हैं दरवाजे, ऐसे खुलते हैं यार, आपके तो कमाल है। मैं दरवाजे को हाथ लगाया, दरवाजा खुल गया, ऑटोमेटिक घर है यार। अब एंटर करते हो, कोई है कोई है? कोई नहीं है। चलो जी, इंडियन है तो चाक धाक जरूर करेगा। आपने देखा आसपास कोई नहीं है, कोई नहीं है। एक कमरे में गया, कोई नहीं है। दूसरे कमरे में गए, कोई नहीं है। तीसरे कमरे में गए, कोई नहीं है। झोपड़ी छोटी थी हालांकि, लेकिन वो 4 BHK है, डोंट माइंड। तो चौथे कमरे में जब जाते हो तो वहां पे अंकल जी बैठे हुए हैं चेयर अपनी टेढ़ी करके। आप बोलते हो ओहो कमाल है, अंकल जी यहां बैठे हुए हैं, कमाल है अंकल जी यहां बैठे हैं आप। बोलते अंकल जी आवाज लगा रहा हूं सबसे, सुनते नहीं हो यार, कमाल है। अंकल जी कोई जवाब नहीं देते, वो व्हील चेयर बैठे हुए ऐसे करके, हाथ में किताब लेके। अब बोलते अंकल जी आप पास जाते हो, अंकल जी सुना नहीं, और पास गए, अंकल जी सुना नहीं, और पास गए, अंकल जी हाथ लगे, अंकल जी अंकल जी टू, अंकल जी टू। हाँ बोलते ओ माई गॉड व्हाट इज दिस। लेकिन आप भागते नहीं है, क्योंकि अगर भागे तो भूत पीछे पीछे आता है और पुलिस फटाफट आ जाएगी, आप भागते नहीं है। आप कहते हो ओ गॉड जीसस क्राइस्ट, इनकी आत्मा को शांति दो। तो अभी सिचुएशन में देखिए, मैं यहां पे दो सिचुएशन बना रहा हूं। पहली सिचुएशन है विद अंकल, आपने अंकल के हाथ से नॉवल ली, सॉरी एक किताब ली, और देखा कि बहुत बढ़िया स्टोरीज हैं, आपने ड्रॉस खोले, बड़ी प्यारी प्यारी नॉवल्स लिखी उन्होंने, लिखी उन्होंने पोएट्रीज लिखी हुई है। अब देखिए ये पोएट्रीज हैं जो कभी पब्लिश नहीं हुई, और अब आप इनको पब्लिश करवाना चाहते हो। ऑथर की डेथ हो चुकी है, जिंदा है, ऑथर की डेथ हो चुकी है, वर्क कौन सा हुआ, एनोनिमस सिडोनिमस या पॉस्थ्यूमस? पॉस्थ्यूमस। क्या पॉस्थ्यूमस वर्क पे कॉपीराइट मिलता है? बिल्कुल मिलता है। कितने सालों के लिए? 60 सालों के लिए। कब से? जब से वो वर्क पब्लिश होगा, या ऑथर की डेथ हुई है जब से वो पब्लिश होगा। गए थे हम 2 पन्ने पहले, वो 3 पन्ने पहले करीब, वो पॉइंट आ गया। ओके, दूसरा केस यहां पर वो आ जाएगा जहां पे अंकल जी थे ही नहीं। आप चौथे कमरे में जब गए झोपड़ी के हट में, तो चौथे कमरे में अंकल जी है ही नहीं, बस कुछ किताबें रखी हुई हैं। आपने किताबें उठाई तो कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स देखी आपने, उस मैन्यूस्क्रिप्ट को खोल कर देखा तो बड़े पुरानी पुरानी नॉवेल्स लिखी हुई हैं, स्टोरीज लिखी हुई हैं, बड़ी प्यारी प्यारी पोएट्रीज लिखी हुई हैं। आप कहते हो यार इतनी प्यारी पोएट्रीज लिखी हुई हैं और कोई लिखकर चला गया, और मुझे कुछ करना चाहिए, इसको मार्केट में लेके आना चाहिए। आपने वो सारे मैन्युस्क्रिप्ट उठाए, रोल किए, अपने बैग में डाले और अब वहां से चल दिए। और वहां पे फिर आप गए कहां पे? कॉपीराइट बोर्ड के पास। कॉपीराइट बोर्ड के पास आके आपने बोला कि सर मुझे ना इसके ऊपर लाइसेंस चाहिए। कॉपीराइट बोर्ड ने बोला देखो देखो इसके ऊपर लाइसेंस तो शायद नहीं मिल पाएगा, बिकॉज द ऑथर कैन नॉट बी ट्रेस्ड, ऑथर मिल नहीं सकता, ऑथर मिल नहीं रहा, या ऑथर कैन नॉट बी फाउंड। इन दैट केस
यू वॉन्ट द वर्क टू बी पब्लिश्ड, आप वर्क को पब्लिश करवाना चाहते हो, ये कौन सा वर्क है, अनपब्लिश या पब्लिश, ये अनपब्लिश वर्क है। तो आप कहते हो सर ये जो पूरा मैन्युस्क्रिप्ट है ये किसी और लैंग्वेज में है, मुझे इसका दूसरे वर्जन में ट्रांसलेट करवाने का परमिशन दीजिए। कॉपीराइट बोर्ड बोलता है ओके आपको हम परमिशन देते हैं और आप ये चीज करवा सकते हो, लेकिन जिस लैंग्वेज में भी आप इसको पब्लिश करवाना चाहते हो, किस लैंग्वेज में करवाना चाहते हो, आप बोलते हो सर पंजाबी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में और तमिल लैंग्वेज में, कॉपीराइट बोर्ड बोलता है ठीक है एक काम करो, पंजाबी अखबार में, इंग्लिश अखबार में और तमिल अखबार में अपनी इस बात को, इस प्रपोजल को पहले छापो, ताकि ऑथर अगर कहीं पर भी हो उसको पता चल जाए कि उसकी वो मैन्युस्क्रिप्ट प्रिंट होने वाली है। अगर ऑथर फिर भी नहीं मिलता और कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता तो उसको हम प्रिंट कर देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये पूरी बात आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएगी। ओके चलो मतलब ये पार्ट, ऊपर वाले पार्ट में ये था कि वर्क पब्लिश हो चुका है, नीचे वाले पॉइंट नंबर टू में ये है कि वर्क पब्लिश हुआ नहीं है, और वर्क पब्लिश नहीं हुआ है और अनपब्लिश वर्क को पब्लिश करवा रहे हो, लेकिन ऑथर से परमिशन नहीं ली। यहां पे लाइसेंस देने वाला कौन था? लाइसेंस देने वाला यहां पे कॉपीराइट बोर्ड था। क्यों? क्योंकि ऑथर मिल नहीं रहा, ऑथर कहीं चला गया, ऑथर कहीं गुमनाम है, ही डोंट हैव एन नेम। ओके थ्री पार्ट जो है कंपल्सरी लाइसेंस और ट्रांसलेशन, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसको अपने पढ़ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्यूट है, और अगर आपने पॉइंट वन पॉइंट टू इजिली पढ़ लिए हैं तो पॉइंट थ्री आपका सेल्फ होमवर्क हो सकता है। इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, यहां बस इतना दिया गया है कि एक बंदा कॉपीराइट बोर्ड से परमिशन लेकर 7 साल के बाद उस काम को ट्रांसलेट करवा के पब्लिश कर सकता है। अगर एप्लीकेंट जो पब्लिश करवाना चाहता है बंदा, अगर वो असली ऑथर को ढूंढ नहीं पा रहा तो कोई बात नहीं, कॉपीराइट बोर्ड से परमिशन लेकर वो ये काम कर सकता है। और लाइक दैट्स ऑल अबाउट, एक मिनिमम ड्यूरेशन दी हुई है 9 मंथ्स की, सो एंड सो। तो पॉइंट नंबर 3 इज योर सेल्फ पार्ट, और टर्मिनेशन ऑफ लाइसेंस को मैं नहीं बढ़ाना चाहता अभी क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आप पता नहीं थके कि नहीं थके, लेकिन ऑब्वियसली मैं तो बोलते बोलते थक सकता हूं ना यार। तो टर्मिनेशन ऑफ लाइसेंस, इसके बाद मैं इस पूरे पार्ट को खत्म कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, छोटा सा ही होगा नेक्स्ट वीडियो लेकिन अच्छी तरह समझेंगे हम, अच्छा पढ़ें और बढ़िया पढ़ें, यही एक ऑब्जेक्टिव है। ऐसा नहीं कि हम किसी टारगेट पे हैं कि भाई नहीं जी हमने तो पूरा एक खत्म करवा देना है काम, तो काम नहीं पूरा करना, जितना पढ़िया उतना बढ़िया पढ़िए, काम खत्म है। और रेगुलर वीडियो था ये काफी लंबा, तो इसको हम कट करते हैं यहीं पे, और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड ऑन कर देंगे। कोई सवाल आपके हैं, आपको मेरे फोन नंबर्स पता है, मेल आईडीज पता है, फेसबुक पे आप हैं मेरे, फेसबुक ट्विटर एंड एवरीवे यू हैव, सो यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी या कॉल मी या एनी ऑफ योर क्वेश्चंस। ओके चलो सी यू, बाय बाय ऑन नेक्स्ट वीडियो फॉर नेक्स्ट पार्ट। ओके सी यू।